मेरी रिकॉर्डिंग भी। ओके चलो ऑन हो गई। तो आयशा सऊद, यू आर विद अस सिंस आईएमएम, सो हाउ वाज योर आईएमएम जी एक्सपीरियंस? मेरा तो बहुत बहुत, इनफैक्ट मैं नहीं, मेरी सिस्टर ने भी अभी अगस्त के टर्म दी है, आपका ही सेशन ज्वाइन किया था और वो भी बहुत खुश है। वो शी इज वेरी वेरी हैप्पी कि उसने आपका सेशन ज्वाइन किया। उसने फर्स्ट टाइम किया था लेकिन मैं आईएमएम से ही ज्वाइन किया हुआ है। और वही बात है, पेपर करते हुए आपकी आवाज जो है वो कानों में वैसे ही उस टाइम गूंज रही होती है। तो हमारा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मैंने पहला सेशन भी ज्वाइन किया हुआ था, थ्योरी कोर्स वाला जो अगस्त का था, लेकिन कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं दे सकी। मेरी ट्रेनिंग जून में ही खत्म हुई है, तब इनशाला ये वाली अटेम्प्ट हार्ट एंड सोल ही देनी है। इंशाल्लाह, सो गुड लक फॉर योर दिस हार्ट एंड सोल अटेम्प्ट, इंशाल्लाह इट विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट थैंक यू। एंड यू वोंट हैव टू रिपीट इट। एंड हाउ वाज योर सिस्टर एग्जाम, कैसा हुआ उनका पेपर? कल था ना? नहीं, हाँ कल जी था। बहुत अच्छा। यही वो यही है कि जो कुछ आपके लेक्चर्स से था, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपने लेक्चर में गाइडलाइंस ही पढ़ाई नहीं थी और टॉक्स थे उन्हीं में से ही था। कोई चीज ऐसी नहीं थी जो लेक्चर में नहीं पढ़ी हुई थी। एमसीक्यू स्टेटमेंट पढ़ते ही याद आ जाता था कि ये चीज गो थ्रू हुई भी है, ये उनकी स्टेटमेंट है। तो अच्छा होप सो इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छा हो जाता है अगर वो भी ज्वाइन कर लेती। पता है इससे क्या होता, शुरुआत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से होती है ना सब कैंडिडेट्स की, लाइक जो हम कर जी रहे हैं उससे हमें फायदा होगा ना। तो व्हाट्स योर सिस्टर नेम एक्चुअली? सॉरी पार्डन मी व्हाई आई एम आस्किंग, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन टेल हादिया, मी। हादिया नेम है उनका, बट शी इज ओके होपफुल कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सो आई विल रिक्वेस्ट हादिया एज वेल कि लाइक छोटा सा श्योर वाइस नोट भी बना दे बाकी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा श्योर, आयशा थैंक आयशा आपसे यू। नाम से बात करना, और ये बहुत ही अच्छा है। जिस काम की इब्तदा ही इतनी पॉजिटिव लाइन से होगी तो इंशाल्लाह इसकी एंड भी ऐसी होगी कि हाय मैम आई हैव बिल्कुल क्लियर, हाय मैम आई पास इट, यू ट्रस्ट मी आई मेड इट, नहीं, बिल्कुल इतना नहीं। मैंने तो आपके सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए और बहुत अलहमदिल्ला सब क्लियर है, अलहमदिल्ला फर्स्ट के अटेम्प्ट में। एक्सक्यूज That's good. So, मी who is मैम, सॉरी, next? Yes, there, यस, please. आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। फाइव स्लो आ रही है। चलो हाँ, बहुत ज्यादा स्लो है। सबको ही स्लो आ रही है या कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को स्लो आ रही है? यस, किस सबको स्लो आ रही है? ऐसे लग रहा है दूर से आ रही है कहीं। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, मतलब आप सुन नहीं पा रहे सही से। वेरी सैड। ओके बाकी कैंडिडेट्स की ठीक आ रही है, बट आपकी थोड़ी कैंडिडेट ठीक सी हो, लग रहा है। अब कैसी आ रही है? अब तो माइक मेरे मुंह अब पे भी है ऐसे ही है, दूर से ही है, अब भी मैं वैसे ही है। इसको तारी देती हूँ चलो ओके अब बताएं जी, आपकी। नाउ इज ओके। अच्छा, ओके, यस ओके, सॉरी, मुझे आपकी नायला समझ नहीं आ रही। हाँ नायला, आप कुछ बोल रही थी? नहीं, सॉरी मैम, मैं उधर कुछ बता रही थी। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। आई थिंक सो कि बाद में फिर चिट चैट कर लेंगे, और ये होती ही रहेगी थ्रू आउट द कोर्स। सो कमिंग टू द पॉइंट, व्हाई वी आर हेयर, आई जस्ट want to tell you about your course details and how we will make it. So, I love this quote. Actually, पढ़ना तो सबने ही है अकेले ना, तैयारी तो सबकी अकेले ही है, लाइक nobody is going to do maternal medicine, you know, at your behalf. You have to read it yourself. लेकिन ना alone we will read it like 10-20%. But together we will, you know, make it a masterpiece. अब ये कैसे masterpiece बनेगा? ये आपको फिर इस इंट्रोडक्शन सेक्शन के एंड पे खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन टीम वर्क जो होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है। अच्छा अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस पे कमेंट नहीं कर रही कि कोर्स की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, आपको चीजें समझ आएंगी, और बड़ी बड़ी गाइडलाइंस आपको यू नो शॉर्ट टाइम में आप अंडरस्टैंड करके अपने एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इससे ना टीम वर्क से मोटिवेशन भी मिलती है, डेली आपको किक स्टार्ट मिलता है कि यू नो सब कर रहे हैं ये काम, तो आप उस एक्टिविटी में ना एब्जॉर्ब हो जाते हो, इंडल्ज हो जाते हो, मतलब ना चाहते हुए भी मूड भी नहीं है ना, देन इवन देन यू हैव टू डू एनीमिया बिकॉज ऑल अदर आर डूइंग एनीमिया। तो ये तो बहुत अच्छा यू नो प्लस पॉइंट है टीम वर्क का। तो
जब भी बच्चों कोई भी हम एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं शुरू में, ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि आपको लगता है कि यू कांट डू इट, लेकिन स्लोली स्लोली जब आप इसको स्टार्ट कर देते हो, बेसिकली स्टार्ट करना ही 50% मेरे मुताबिक वो एक बहुत बड़ा जो है ना टास्क है। जब आप स्टार्ट कर देते हो फिर आपकी आप ये सोचना शुरू करते हो, यस यू विल डू इट, हाउ आई विल डू इट, फिर आपके आपका माइंड ओपन होता है एंड यू यू ट्राई टू डू थिंग्स, और फिर फाइनली यू विल से कि आई कैन डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, एंड यस वन डे आफ्टर द कोर्स देन यू विल अपेयर इन एग्जाम एंड यू विल हैव योर रिजल्ट, यू विल सी एंड यू विल बी से डूइंग टू सेइंग दैट के यस आई हैव डन इट। तो ये जो पूरा ब्लू है ना नीचे ओशन, ये एकदम से तो लाइक आपको तो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा है ना व्हेन यू हैव डन अपने अपना टास्क अचीव कर लिया है, ये तो लाइक सबको यही नजर आएगा कि आपने कर लिया, लेकिन ये जो इसके नीचे इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है ना, ये भी आपने टैकल किया डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो कोई भी काम जो आप देखोगे लोग कहेंगे हमने ये कर लिया, आप उनको नीचे से डिग आउट करेंगे तो यू विल सी कि इसके नीचे कितनी सेक्रीफाइसेस डाउट्स अनसर्टेनिटीज हैं, तो आपने इस चीज पे रुक नहीं जाना, इस एक स्टेप पे, इस किसी एक स्टेप पे रुक नहीं जाना, चलते ही रहना है, ठीक है। तो बस मेरी सिर्फ ये एडवाइस है, सिलेबस ह्यूज है, करते हुए बोर भी हो जाओगे सम टाइम, लाइक टास्क अचीव भी नहीं होगा डेली जो हमने प्लान किया है, मे बी आपको लगे कि आप टीम से पीछे रह गए हो, बट नो वरीज, आपने चलते ही रहना है, जब भी फारिग टाइम हो अपने स्पेयर टॉपिक्स आप कर सकते हैं। और सॉरी मैम, आई इंटरप्ट यू। अगर कुछ मिस हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? जैसे रोज का टास्क हमें फॉलो नहीं होता तो फिर कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे? मैं अगर कोई कोर्स ज्वाइन करूँ ना तो मैं तो 50% ही कोर्स फॉलो कर पाती हूँ, 50% लाइफ में इतना कुछ हो रहा होता है जो बाकी लोगों की जिंदगी में नहीं हो यस रहा, यस दिमाग हो दैट्स व्हाई आई एम जाता है, मूड खराब आस्किंग। हो जाता है, मुझे तो पीएमएस चलता है, लाइक साइकिल से एक हफ्ता पहले आई कांट डू एनीथिंग, इतनी मैं ऐसे मतलब इमोशनली ही है। हाँ वाइल होती हूँ। तो बस ये तो फिर सबके साथ ही है ना, नो वरीज, आपने आप जब भी आप कोप अप कर सको, जब आप अच्छे मूड में हो, जब आपके पास टाइम है, आप उसको ट्राई टू कंपनसेट इट, नहीं, और मूड एग्जाम है, एग्जाम है, मूड तो नहीं देखेगा ना एग्जाम। एग्जाम की तो कुछ स्ट्रेस होती है, अदर थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। जैसे कुछ हो जाता है, वन डे का आपका कोर्स मिस हो जाता है, फिर तो और भी स्ट्रेस हो जाती है कि यार अब क्या करना है। यही यही तो लर्न करना है कि जिंदगी में कुछ भी आइडियल नहीं है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, अगर आपसे चीजें मिस भी हो रही हैं तो टेक इट नेचुरल, ट्राई टू जस्ट कंपनसेट, अपना जो कमिंग टॉपिक है उसको कंपनसेट नहीं करना, स्किप इट राइट नाउ, व्हेन एवर यू हैव टाइम ट्राई टू डू इट, और आप मत करो फिर इसको, वी विल ट्राई मतलब टू, नेक्स्ट वाला कर लें ना हम लोग, वो कर लें और फिर जो रह जाए उसको बाद में कर लें। बिल्कुल बिल्कुल आई हाँ, अग्री, बस यही पूछना चाह रही थी। थैंक यू। अच्छा ठीक है। बिल्कुल, अगर आपने डायबिटीज आज करना था और नहीं किया और कल हम हाइपरटेंशन कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, हाँ, फिर आप डायबिटीज करोगे तो डायबिटीज होगा ना हाइपरटेंशन। नहीं हाइपरटेंशन, नहीं हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो ये आप ये काम नहीं करना, बस आगे आगे की तरफ सही। फ्लो करना है, चलते रहना है, सीढ़ियां चलते रहना है। अच्छा फिर क्या होगा जब आप जब कोर्स एंड हो जाएगा 3 मंथ्स के बाद, तो फिर रिवीजन स्टार्ट होगी, जो टॉपिक आपके मिस हैं तब कर लो उनको, ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया, सही। थैंक और ना हर यू। मॉड्यूल के बाद कुछ ना कुछ आपको रिवीजन डेज मिलेंगे, क्योंकि मैं मुझे पता है इंसानों की जिंदगी को लाइक मशीनरी लाइफ तो नहीं है, कोई भी इस तरह नहीं कंप्लीट कर पाता, तो हम थोड़े गैप्स रखेंगे ताकि आप कंपनसेट कर सको, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट, ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिलेबस, फ्रॉम प्रैक्टिस बुक्स देन, एंड देन वी विल सी कि आपने रिकॉल्स बुक्स के लिए क्या करता है। अच्छा फ्यू एमसीपीएस कैंडिडेट्स आर आल्सो विद मी, सो उनके लिए मैं बता दूं कि सिलेबस और एग्जाम फॉर्मेट उनका एग्जैक्टली एफसीपीएस की तरह है, लेकिन जब लाइक एमसीपीएस का एग्जाम अभी सितंबर में होगा उसके बाद फिर आपका सेशन मैं लूंगी, बट राइट नो जो लोग भी एमसीपीएस के हमें ज्वाइन कर रहे हैं आप हमें ज्वाइन करें ताकि आपका ये टाइम ना वेस्ट हो, एग्जाम फॉर्मेट बिल्कुल आपका एफसीपीएस की तरह ही होगा, ठीक है, वही आपके लाइक मॉड्यूल्स हैं, वही ओनको है, इवन एग्जाम पैटर्न भी सेम है, ठीक है। पेपर वन में 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं आपके एफसीपीएस, और इफ कुछ फ्यू एमसीपीएस कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ, तो 100 सिंगल बेस्ट आंसर हैं, ठीक है। फिर ब्रेक है 30 मिनट की, और फिर सेकंड पेपर होता है आपका, वो भी 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स का होता है। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि
क्या लगता है सिंगल बेस्ट आंसर कैसा आंसर होता है, जिसमें चार चार बिल्कुल खराब ऑप्शन होती हैं और वो जो पांच भी होती है बस वही की होती है? नहीं, उसमें ये होता है मैम कि सारे तकरीबन एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन हमने बेस्ट चूज करना होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हो, ये ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एमसीक्यूज में तो इजी होता है ना कि आपको एक चार ऑप्शन, अगर तीन गलत हैं तो एक आपका सही होगा, वो आप इजीली कर लेते हो। लेकिन जिसमें आपको सारी चीजें ठीक होती हैं, तो फिर आपने जो अप्रोप्रिएट होता है आंसर के बिल्कुल क्लोज होता है, आपने उसको चूज करना होता है। अरे वाह, यू नो सो मच थिंग्स नायला, हाँ गुड. सो आई विल एग्री विद यू. देखो हमने सेक्शन करना है क्योंकि एब्सेंट डोपलर है ना, एक ऑप्शन ए है, दूसरी में ये है कि स्टीरॉयड दे के सेक्शन कर लो, वो तो ज्यादा मजे की है ना, ठीक है. तीसरी ऑप्शन ये है कि फिटल मेडिसिन यूनिट को भी इन्वॉल्व करो, वो सबसे मजे की नहीं है, क्योंकि एब्सेंट डोपलर में करना चाहिए. तो ये तीनों ही ठीक है बेसिकली, इनमें से बेस्ट कौन सी है, फिटल मेडिसिन यूनिट, स्टीराइड और सेक्शन वाली ना? तो इस तरह, हाँ इस तरह से आएंगे क्वेश्चंस, आपको पांच की पांच अच्छा, ऑप्शन अच्छी लगेंगे और आप सब पे मेल्ट हो जाओगे. तब और पे मेल्ट नहीं होना, वी विल लर्न किस पे मेल्ट होना है. मिस्टेक इसमें मोस्टली चांस होता है मिस्टेक करने का, क्योंकि हमें फौरन से जो पहले लगता है ना कि हाँ ये होगा, हम फौरन टिक कर देते हैं कि बस ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि ओहो यार ये भी तो मैच कर रहा था, ये भी कर रहा है, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, आई विल एग्री विद यू, यू आर राइट नायला. ओके सो लाइक पेपर वन का जो टाइम है वो 2.5 आवर है और 30 मिनट की ब्रेक के बाद फिर नेक्स्ट पेपर होता है. तो फॉर एफसीपीएस ओब्स का जो पार्ट है ना वो 40% है और एमसीपीएस का इक्वल होता है, ठीक है. तो ओब्स में 40% होता है क्योंकि आईएमएम में आपका 70% पहले ही ओब्स हो चुका होता है, दैट्स वाई 40% टोटल आपके एग्जाम के जो 200 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं पूरे पेपर के, उसमें से 40% जो उसकी वेटेज है वो आपके ओब्स के क्वेश्चंस की है और 60% गाइनिंग की होती है, ठीक है. हाउएवर ये भी देखा गया है कि लाइक पेपर वन टोटली ओब्स का होता है, कभी कभार पेपर टू सारा के सारा गाइनी का होता है. मैं वेटेज की बात कर रही हूँ कि वेटेज एग्जाम में पास होने की कितनी है, तो वो 60% गाइनी के, क्योंकि गाइनी के जो क्वेश्चंस है ना दे आर रियली ट्रिकी क्वेश्चंस. ओब्स के आप कर लेते हो, यू आर वेरी गुड इन ओब्स, क्योंकि आईएमएम में ओब्स बहुत अच्छा किया हुआ होता है, ट्रेनिंग में वैसे करते भी ज्यादातर ओब्स ही होना है ना, लेबर रूम ड्यूटीज ये वो, तो ओब्स में थोड़े आप अच्छे ही होते हो. तो जहां से आपने ज्यादा अच्छा होना है बाकी अपने कंपिटिटर से, दिस इज योर गाइनी पार्ट. और इसमें भी मैंने चुन लिया है मॉड्यूल्स को जो कि आपके दी बेस्ट होने चाहिए, ठीक है. गाइनी में दी बेस्ट मॉड्यूल आपके ऑन्कोलॉजी और जनरल गाइनी होना चाहिए, ठीक है. ऑन्कोलॉजी मीन्स लाइक सर्वाइकल कैंसर, इसकी प्री मेलिग्नेंट और मेलिग्नेंट कंडीशंस, और इवन इन प्रेगनेंसी में भी कैसे इस कैंसर को मैनेज करना है. इसी तरह ओवेरियन सिस्ट और लॉट ऑफ सिस्ट इन प्री मेनोपाजल, मीनोपाजल, टीनेज, इन प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग सेक्शन, और फिर मेलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट, और वो भी वेरियस टाइप्स की लाइक एपिथेलियल, जर्म सेल्स, एक्सकॉर्ड, और उनकी सबकी मैनेजमेंट डिफरेंट है. तो देन एंडोमेट्रियल कैंसर्स, वो भी टाइप 1 2 टाइप्स के, एंड देन हाइपरप्लेजिया, इट्स प्री मेलिग्नेंट पार्ट. तो और फिर अब तो मोलर भी, दे लव मोलर, और कल के एग्जाम में यू विल यू नो अमेज्ड के मोलर के बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, लाइक जो आप आईएमएम में ऐसा नहीं करते, यू जस्ट थिंक कि स्कोर 6 है तो क्या करना है और 7 है तो क्या करना है. दे वहां फिर आपको ये भी पूछते हैं कि लीवर मेट्स है तो कौन सी कीमोथेरेपी देनी है, दे आस्क दैट मच स्पेसिफिक थिंग्स. तो दे लव ऑनकोलॉजी, तो आपने भी इसको लव भी करना है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ऑनकोलॉजी में ब्रेस्ट और कैंसर मैनेजमेंट इन प्रेगनेंसी और मोलर बीसी में आ जाएगा. जनरल गायनी में तो आपको पता है ना एचएमबीज और सारी लाइक पीआईडीज और एमेनोरियाज, ये वो जो डोमेन है ना, यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्लाइटली ट्रिकी होते हैं, ठीक है. तो अगर आपकी थीरी अच्छी है ना तभी आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो, वरना जब आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, पास पेपर्स करोगे डायरेक्टली, तो कोई सेंस ही नहीं बनती. फ्यू ऑफ माई कैंडिडेट्स एक्चुअली ज्वाइन मी डायरेक्टली इन टू माई क्रैश कोर्स, दे स्किप थीरी कोर्स, और फिर आई हैव टू यू नो गिव देम वेरी यू नो एडिशन, वी हैव टू यू नो कलेक्टिवली मेक एडिशनल एफर्ट कि वो समझ जाए इन चीज़ों को. ऑब्वियसली टाइम भी नहीं होता, क्रैश कोर्स एग्जाम से 2 मंथ्स बिफोर स्टार्ट होता है, तो एम यही होता है कि जितने पेपर्स यू नो हम कर सकें हम करें, तो इतना डेप्थ में जा नहीं पाते थीरी के. तो दिस इज हाई टाइम फॉर यू पीपल कि गाइनी को अच्छे से करो, कंसेप्चुअल करो,
क्योंकि ये वो डोमेन है जहाँ से जो क्वेश्चन आने वाले हैं दे विल बी रियली ट्रिकी, और ट्रिक्स जो होती है ना उनका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ एक ही है कि आपकी जो डेप्थ है उस टॉपिक पे, जो आपकी कमांड है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इट्स पॉसिबल कि आइडियल कीज हों ही ना, देन यू हैव टू मेक एक्सक्लूजन कीज। और आपको क्या लगता है, 5 गलत ऑप्शन में से एक वो ऑप्शन गलत निकालना एक्सक्लूड करके जो कम इनोसेंट है, उसके लिए तो टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड चाहिए आपको, ठीक है? तो फ्यू क्वेश्चंस यू विल सी विल बी वेरी यू नो पुअरली स्ट्रक्चर्ड, उसमें ना एक्सक्लूजन कीज बनानी पड़ती है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए इतनी अच्छा एग्जामिनेशन बॉडी है सीपीएस पे, बट समटाइम आई हैव फेल्ट कि इन्फॉर्मेशन इतनी इतनी अच्छी गिवन नहीं होती कि कैंडिडेट्स आराम से कोई आइडियल की बना पाए, दे हैव टू यू नो एक्सक्लूड कीज, और यही इसका मैजिक है। इसी वजह से आपने ये सुना होगा कि लाइक बाकी जो इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं दे आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल बिकॉज दे हैव टू डू गाइडलाइंस एंड दे कैन इजिली पास इट, बट सीपीएसपी का जो स्टाइल है ना बिकॉज ऑफ यू नो दीज ट्रिक्स, और इनके 30% क्वेश्चन क्लिनिकल भी होते हैं, तो इसके लिए आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस तो यू नो दी मस्ट थिंग है, आपको डेप्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है? और डेप्थ नॉलेज से मुराद ये है कि लाइक ऑनकोलॉजी और जनरल गाइनिक है ना, हम कोई भी टोग आर्टिकल भी नहीं छोड़ सकते, हम इसको इतना डिटेल में करने वाले, ठीक है? और जो ऑनकोलॉजी और जनरल गाइनी में जो काफी टॉपिक्स हैं उनके लिए कोई NICOGP की गाइडलाइन है ना, GDG की है, इवन कोई नाइस की भी नहीं है, जैसे सारा मेनोरिया ओनली रिलाई ऑन टोग आर्टिकल्स, ठीक है? लॉट ऑफ सिस्ट ऑन वी कैन ओनली रिलाई ऑन टोग आर्टिकल, तो दैट्स वाई। तो ये 60% जो कंटेंट है ना, ये जो जिस जो आपकी टोटल एग्जाम की वेटेज है वो गाइनी से, और गाइनी में भी ओनको और जनरल गाइनी है, और इसमें से अगर आपने बहुत अच्छे से थीरी में बहुत अच्छा पढ़ा है तो आराम से आप ना सिर्फ आइडल कीज बना सकते हो बल्कि एक्सक्लूजन कीज भी बना सकते हो, ठीक है? अच्छा, सीपीएसपी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना थोड़े क्लिनिकल भी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई सिनेरियो में सिर्फ डायबिटीज आ गई, आपको पता है डायबिटीज में स्लाइडिंग स्केल चलाना है, दे विल ऐड हाइपरटेंशन एज वेल, देन यू हैव टू चूज दैट की जिसमें आप एंटी हाइपरटेंसिव भी दे रहे हो। और मैं एक कोट दूंगी इस चीज में, मुझे अभी मैंने लाइक अभी रिसेंटली जो कि क्रैश कोर्स कल ही खत्म हुआ है, तो मैंने ये सारे लाइक आपके जो माइंड में डाउट्स होते हैं वो मैंने देखे हैं। तो थिंग इज दैट के अब जो GTG है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की, दिस GTG सेज कि जो APLS डायग्नोज है विद बैड ओब हिस्ट्री, बैड ओब हिस्ट्री, इसमें आपने लोप्रिन लेनी है एट स्टार्ट ऑफ कंसेप्शन एंड यू विल स्विच इट एट 34 वीक्स, ठीक है? अच्छा, दूसरी गाइडलाइन है ऑन IUGR, ठीक है? और एक और गाइडलाइन है ऑन हाइपरटेंशन नाइस की, ठीक है? अच्छा, ये गाइडलाइंस बोलती हैं कि अगर कोई पेशेंट जिसको हम लोप्रिन देंगे तो हम देखेंगे कि उसमें मेजर रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं और माइनर रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, तो मेजर एक भी आएगा तो वी विल गिव हर लोप्रिन, और उसकी रीजन क्या है कि हाइपरटेंशन इंड्यूस्ड जो कॉम्प्लिकेशन है और मोर स्पेसिफिकली प्रीक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया वो डेवलप ना हो, तो आपने क्या करना है, इसको लोप्रिन दे देनी है और टिल डिलीवरी देनी है। अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया जिसमें पेशेंट को APLS भी है, बैड ओब्स हिस्ट्री भी है और शी इज हाइपरटेंसिव एज वेल, और APLS में हाइपरटेंशन भी होती है, अब मुझे बताओ इसकी लोप्रिन 34 पे बंद करोगे बिकॉज GTG ऑफ APLS जो जो RPL की GTG है वो ये बोलती है कि APLS वालों में प्लेसेंटल फंक्शन जो अचीव होगा मैक्सिमम वो 34 पे अचीव होगा, या इसको टिल डिलीवरी लेके जाएंगे बिकॉज नाइट सेज के APLS मेजर रिस्क फैक्टर है, अब ये क्लिनिकल हो गया बिकॉज शी इज हैविंग हाइपरटेंशन एज वेल। तो इस क्वेश्चन को अब हम एज ए होल देखेंगे और वी हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस हियर। तो हमारा एम क्या हुआ, हमारा एम क्या है, फीटो मेटरनल आउटकम, प्लेसेंटल आउटकम 34 वीक्स पे बेस्ट है, बट उसको बचाना भी तो है ना प्रीक्लैम्प्सिया से माँ को, तो फिर तो टिल डिलीवरी है। तो इफ यू आर ऑप्टिंग की कि 34 पे बंद करो यू आर राइट, बट इफ यू आर ऑप्टिंग की कि नहीं टिल डिलीवरी लोप्रिन लेके जानी है यू आर मोर राइट, ठीक है? तो ये इस तरह के क्लिनिकल क्वेश्चंस आप देखेंगे, तो ये सीपीएसपी का यू नो एक यूनिक स्टाइल है जो आप किसी और इंटरनेशनल एग्जाम में नहीं देखते, दे डोंट मिक्स थिंग्स लाइक दिस, ठीक है?
जैसे एनीमिया के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक हमें पता है हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं सिन में, लेट्स सपोज, क्योंकि गाइडलाइन सेज दिस. कभी आपने सुना वाया विजुअल इंस्पेक्शन विद एसीटी के सेट? दिस इज स्पेसिफिक टेस्ट विच वी डू इन पाकिस्तान और इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो ये कुछ 30% आपको कंटेंट है आपके क्वेश्चंस का, जिसके लिए एक्चुअली वी विल यूज स्पेसिफिक कंटेंट जो कि हमारे पाकिस्तान की गाइडलाइंस है. जैसे एसओजीपी हो जाएगा, या जो प्रैक्टिस आप अपने वार्ड में करते हो. ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न ऑल दीज थिंग्स. दैट्स वाई योर एफसीपीएस ग्रुप इज डिफरेंट, एंड इफ एनीवन इज अमंग माई एमआरसीओजी बैच, हर कोर्स इज डिफरेंट. ठीक है, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन का जो असेसमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो तैयारी भी इसीलिए थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है, सो इन एफसीपीएस वी विल आल्सो डू जीटीजी, वी विल आल्सो डू नाइस टोग आर्टिकल, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी विल रीड सम डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस एंड एसओजीपी गाइडलाइंस, दैट वी विल बी एबल टू मेक प्रिसाइज कीज अकॉर्डिंग टू आवर ओन एग्जाम. क्लियर? ओके, चलें. तो एफसीपीएस का जो सिलेबस है, आई टोल्ड यू ओब्स 40%, गाइनी 60%. टेक्स्ट बुक यू पीपल लव, आई नो यू हस्ट. और आई नो यू पीपल लव यू हस्ट. अगर मैं बोलती हूँ कि किताबें नहीं करती तो आप माइंड कर जाते हो. तो सेशन के ना शुरू में ही आपकी कोलीग ने बताया था कि आपने अगर एग्जाम पास करना है तो आपको अपडेटेड कंटेंट ही करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये जो जो बुक्स हैं लाइक नेम्ड ड्यूहर्स्ट एंड ईबीएम, नो डाउट दे आर वेरी गुड बुक्स. आपके प्रोफेसर्स ने भी यही पढ़ी होंगी, हमने भी अपने टाइम पे यही पढ़ी थी, बट अभी अरसा दराज से ना अपडेट नहीं हुई. जैसे 2017 के बाद ईबीएम का कोई एडिशन नहीं आया, ड्यूहर्स का एडिशन 2018 के बाद से आया ही नहीं. तो और 18 और 17 के बाद तो आधी दुनिया चेंज हो गई है, बल्कि मैं ये कहूंगी आधी से ज्यादा दुनिया चेंज हो गई है. फिगो 2000, फिगो सारा ऑन्कोलॉजी चेंज हो गया बेसिकली. 2021 की सारी गाइडलाइंस हैं, या 23 की भी हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियल कैंसर 23 में आया, तो वो तो फिर चेंज हो गया ना. लेबर नाइस इंडक्शन एवरीथिंग चेंज, वो 2021 में अपडेट हुई है. इंट्रापार्टम केयर सारी गाइडलाइन 23 में अपडेट हुई है. तो अब ईवीएम और ड्यूस नहीं कर सकते प्लीज, क्योंकि एक गलत बात दिमाग में बैठ जाए ना, उसको निकालना, उसको निकालने की कॉस्ट है एक दो अटेम्प्ट आपके एफसीपीएस. तो इफ यू रियली वांट टू पास योर एग्जाम इन फर्स्ट गो, एक गलत चीजें दिमाग में डालें ही ना. ओके, तो बस अब गाइडलाइंस ही करनी है. आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट विद कोर्स, मैंने बोला ना, टुगेदर वी आर लिटल, सॉरी, अलोन वी आर लिटल बट टुगेदर वी आर मास्टरपीस, वी आर सो स्ट्रांग. तो जब हम कोर्स को फॉलो करेंगे एज ए टीम, तो ये चीजें आपके लिए हलवा होंगी. ये गाइडलाइंस डरना वरना नहीं है. टेक्स्ट बुक एक होती है, अगर आराम से पढ़ ली तो आप थोड़ा इजी फील करते हो कि चलो पढ़ ली है, एक ही जगह पे हर चीज है. ये क्या मुसीबत है, हर हर टॉपिक नई जगह से है, कोई टॉक से, कोई नाइस से, जो जीटीजी से, कोई एसओडीपी से. तो ये तो बहुत मैस है. तो कोई मैस नहीं है, ठीक है. यू जस्ट हैव टू लिसन द लेक्चर्स, दैट्स इट. इट्स माई ड्यूटी कि मैं उसमें उस टॉपिक पे कितने टोग आर्टिकल हैं, कितनी कुछ आईटीजी हैं, नाइस हैं, अगर कुछ डिफरेंस है एसओजीपी से तो वो क्या है. तो आपने बस सुनना है, ठीक है. डोंट बी स्ट्रेस्ड और ओवरवेल्म्ड कि हम टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा. ये हो जाएगा. ओके, तो
तो इसलिए आपने ना बच्चों इन किताबों से दूर रहना है, जिनका नाम है ड्यूहस, स्टैंड टीचर और ईबीएम। कुछ आपके आपके सीनियर्स कहेंगे लाइन भी उठा के ड्यूहस से दी थी, उनको कहो लाइन लाइन उठाने दो कि तो मैंने अपने अपडेटेड कंटेंट से ही बनानी है। ये बहुत बड़ा मसला होता है, अभी तो शुरू कर रहे हो तुम लोगों को, मसला नहीं है क्योंकि जैसे ही कोर्स आगे जाएगा और आप देखोगे कि पास पेपर्स क्या आ रहे हैं, और एक की जो है वो लाइक ईबीएम की है डिफरेंट, एक गाइडलाइन की डिफरेंट है, तो फिर आप जो है थोड़े तंग पड़ जाओगे कि अब हम क्या करें ना। तो हमारे प्रोफेसर तो कहते हैं कि उन्होंने तो ड्यूहस पढ़ी थी तो वो पास हो गए थे, तो वो आपको भी कहेंगे कि नहीं इस तरह से होता है वार्ड राउंड्स में। मे भी कुछ आप लोगों को अपने प्रोफेसर से इख्तलाफात शुरू हो जाएं अबाउट मोड ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या किसी प्रोसीजर को लेके। तो अब मुझे ये बताओ कि आपके प्रोफेसर ने 2014 में की एंडोमेट्रियल कैंसर, वही सेम पब्लिश है ड्यूहर्स्ट और ईबीएम में, फिर वो चेंज हो गई क्लासिफिकेशन 2018 में, ठीक है, और फिर वो दोबारा रीचेंज होके बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो आपने कभी 4C क्लासिफिकेशन का नाम भी नहीं सुना होगा जो कि अब आ चुकी है 2023 में। तो अगर आपने पुरानी चीजें ही पढ़नी है तो कितनी पुरानी पढ़नी है? हाउ यू कैन यू नो सेटिस्फाई यूर सेल्फ कि विच ओल्ड वर्जन यू शुड रीड। अभी मुझे लाइक एग्जाम से पहले ही आ रहे थे कि मैडम हमारे प्रोफेसर बोल रहे थे ये तो नहीं होता, ये तो वो नहीं होता, ये नहीं होता। तो मैंने आपने तो बताया था कि ये तो अब ये रिकमेंडेशन है, तो उन्होंने मैंने उनको बोला आपके प्रोफेसर ने तो कब किया था FCPS, और जब उन्होंने किया था तो उन्होंने ये पढ़ा था, उसके बाद उन्होंने अपना नॉलेज अपडेट नहीं किया, उनको ये सही लगता है। तो आपको इस चीज की क्या गारंटी है कि आपके एग्जाम में कौन कितनी पुरानी गाइडलाइन आएगी? फिर तो आप 19वीं सदी की गाइडलाइन कर लो कहीं से ढूंढ के। तो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको आगे जाना है दुनिया के साथ या पीछे जाना है? तो इस चीज का कोई इलाज नहीं है इस डाउट का कि कितनी को पुरानी गाइडलाइन, कितनी को पुरानी बुक करनी है किताब। अगर वो आपको लगता है ना उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट भी किया है ड्यूहर्स्ट को या ईबीएम को, इवन देन की आपने रिकमेंडेशन से ही बनानी है। इससे एक तो आपको पर्सनल बिलीफ होगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, और इसी एक अप्रोच पे आप सही बातें करोगे सारी की सारी, इवन अपने ओस्की में भी, ठीक है, और इससे आप पास होंगे, और इतने सारे कैंडिडेट्स भी तो पास हो ही जाएंगे ना इसी अप्रोच से। तो ये पीछे वाली बातें प्लीज नहीं करनी। आई नो आई एम टेकिंग टू मच टाइम ऑन दीज थिंग्स, लेकिन ये सारी बातें समवेयर वेन कोर्स विल प्रोग्रेस आपके दिमाग में आने वाली हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैश होने वाला है इन बुक्स का और द वे आई विल टीच यू, ठीक है? मैं इस दफा मैंने आपको फॉलो करना है, थैंक यू अस्मा। नहीं हम मुझे ना फॉलो करो, आप लेटेस्ट चीजें आ रही है ना दुनिया में, तो आपने हमने उनको देखना है, ठीक है? और सीपीएस भी क्लेम यही करती है कि दे फॉलो लेटेस्ट थिंग्स। उन्होंने कहीं कहाँ लिखा है अपने यू नो स्टेटमेंट पे कि हमने पुरानी गाइडलाइंस पढ़ानी है, तो सारे ट्रेनीज को ये बताया जाता है वो कि आपने पुरानी से पुरानी गाइडलाइन लेके आनी है, बिकॉज हम तो हमने तो खुद को अपडेट ही नहीं करना और हम पुरानी मॉडर्न जो गाइडलाइन है उस पर चिपके रहेंगे, कभी भी वो लिख के नहीं देंगे ना क्लेम करेंगे। अच्छा वैसे लाइक मैनी ऑफ माई कोलीग्स आर यू नो वर्किंग इन CPSP और डिफरेंट वेरियस पोस्ट, तो एग्जाम ऐसे बनता नहीं है। अगर किसी ने एक ने दो या तीन क्वेश्चंस बनाने हैं तो वो बहुत सारे सुपरवाइजर्स को बोला जाता है कि आप पूल बनाएं, फिर जिस दिन जो जो लाइक डायरेक्टर होता है OBD डिपार्टमेंट का, वो उन यू नो 500-600 क्वेश्चंस में से रैंडमली 200 क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। अब जिसने बनाए भी है उसको भी नहीं पता, लेकिन जिसने बनाए हैं उस की का रेफरेंस देना उस पे वाजिब है। वो ये नहीं कह सकता कि ये ईबीएम का रेफरेंस है, ही आर शी कांट से कि ईबीएम का रेफरेंस है, ही मस्ट हैव टू राइट ये SOGP की फलानी गाइडलाइन का नंबर ये है और पेज नंबर ये है, वहां का ये रेफरेंस है या GTG का रेफरेंस है या NICE का रेफरेंस है। आपका तो MCQ ही एक्सेप्ट नहीं होता है अगर आप ये बोलो कि ये मैंने पुरानी गाइडलाइन पढ़ी है 2017 की ड्यू हस्ते में ये लिखा हुआ है, ये तो एज ए रेफरेंस भी एक्सेप्ट नहीं होता बच्चों। तो कार्ड प्रोलैप्स 8 सेंटीमीटर पे ड्यू हस्त तो कर देगी मल्टी में वैक्यूम, आपने सेक्शन ही करके आना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की गाइडलाइंस बड़ी स्पेसिफिक हैं, नो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इफ पेशेंट इज नॉट फुली डायलेटेड, राइट?
तो नहीं पढ़नी है किताबें आपका, आप मेल्ट हो जाओगे क्योंकि आपके तो बिलीफ सेट हुए हुए हैं, 4 साल की ट्रेनिंग सेट हुई हुई है उल्टी सीधी चीजों पे। लेकिन मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां आपके पास किसी गाइडलाइन का रेफरेंस आ जाए ना, आप अपनी आंखों से उसको पढ़ लो, तो बस फिर आपने अपनी की उस पे ही बनानी है, ठीक है? जितना, नो मैटर हाउ मच यू हैव टू सफर, आपको डाउट जितने मर्जी आए, पूरी दुनिया एक तरफ होके चीख चीख के कहे कि नहीं ये तो की है ही नहीं, ये तो की है ही नहीं, जैसे वो, जैसे हाइपरटेंशन का वो जो प्रिडिक्टर तुम कहते हो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है। देखो पूरी नाइस 2023 की गाइडलाइन में ना कहीं भी यूरिक एसिड नहीं है, बल्कि उन्होंने तो रेडियोग्राफ्स को भी निकाल के फेंक दिया जो नाचिंग देखते थे, ठीक है? उन्होंने तो अपने प्रेप और फुल प्रेप्स मॉडल ले आए हैं फॉर प्रिडिक्शन ऑफ वेरियस सेवेरिटी, और लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग नाउ, यू विल सी। तो दीज आर यूर यू नो मॉड्यूल्स, हम भी मॉड्यूल्स वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है? लेट्स, जैसे अभी हम शुरू करेंगे अपना मॉड्यूल मेटरनल मेडिसिन का, ठीक है? जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, ये टेंटेटिव से प्लानर बनाया है मैंने अबाउट योर मॉड्यूल्स के हम कैसे कैसे लेके चलेंगे। तो मेरा तो एम ये है कि प्री कोर्स एक्टिविटीज में कुछ टॉपिक्स तो अब कर चुकी हूँ मेटरनल मेडिसिन के, तो अगले 10 डेज भी दें और मेटरनल मेडिसिन हम 20th तक निकाल लें, फिर अर्ली प्रेगनेंसी कर लें 27 तक, फिर एंटीनेटल केयर 8 तक, फिर फीटल इन्फेक्शन 15 तक, लेबर 25, लंबा है तो 10 दिन तो देने पड़ेंगे। ऑब्स इमरजेंसीज अगेन 7 डेज या 1 वीक ले जाएगी, पोस्टपार्टम अगेन 7 डेज ले जाएगा, सर्जिकल एंड ऑपरेटिव केयर ये हमारी 20th अक्टूबर तक चलेगी, काफी छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं इसलिए आई थिंक सो 2 वीक्स लग जाएंगे। कॉन्टरसेप्शन थोड़ा इजी है, 1 वीक काफी होगा इसके लिए, एसटीडीज और भी इजी है, 3 4 दिन बहुत है। सब फर्टिलिटी मेल फीमेल और कुछ और यू नो नाइस की ऑटो आर्टिकल्स हैं तो 7 नवंबर तक बात जाएगी। जर्नल गाइनी अगेन 17 तक, ऑनकोलॉजी 27 तक, एंड 30 तक, एंड क्लिनिकल गवर्नेंस एंड टीचिंग टिल 3 दिसंबर। ये एक टेंटेटिव सा मेरा प्लानर है फॉर कि हाउ क्या डेडलाइंस हैं कि हम ये अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लें। सो अगर ऊपर नीचे हो भी गया ना, लाइक सम टाइम आप लोग रिक्वेस्ट करते हो कि नहीं रिवीजन के लिए एक एडिशनल डेज दे दिया जाए, आई नो लेबर के बाद बोलते हो ऐसा, या मेटरनल मेडिसिन के बाद बोलते हो, जनरल गायनी के बाद, तो अगर इन चीजों को भी ऐड करें तो 10th ऑफ दिसंबर तक वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर कोर्स, एंड आफ्टर दिस वी विल रिवाइज। तो ये समझ आ गया आपको? ओके चलें, तो यस। अच्छा, बाकी डेट्स थोड़ी मैं चेंज करूंगी, लेकिन हाँ जो हम स्टार्ट करेंगे जैसे प्रेपरेशन हम डीबीटी से करेंगे। अब देखो डीबीटी, अब अगर आप अपनी बुक्स में देखो ना तो 2015 वाली जीटीजी के मुताबिक काफी चीजें 80% तक, लेकिन जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है वो 2023 की है एंटीकोगुलेशन स्पेसिफिकली इन गाइनी, और कल के पेपर में भी आया हुआ था इसमें कि हेपरिन आपने स्टार्ट करनी है इन गाइनी पेशेंट तो कब करनी है, तो वो 24 आवर के बाद करनी है, ओनली दिस स्टॉक आर्टिकल कैन सेव यू हेयर, ठीक है? तो ये है तो वीटी एक टॉपिक, लेकिन इस एक टॉपिक को करने के लिए आपको 2 GTG और 3 टॉक आर्टिकल करने पड़ेंगे। तो आपने ओवरवेल्म नहीं होना कि हम ये तो सारी चीजें हमने कैसे पढ़नी है, यू हैव टू लिसन ओनली 1 सेशन। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ईच एंड एवरीथिंग व्हेन आई विल टीच थ्रोम्बोम्बोलिज्म वेदर इन ओब्स वेदर इन गायनी आई विल टीच टूगेदर एवरीथिंग, ठीक है? ताकि वो सब चीजें इंफॉर्मेशन एक ही वक्त पे एक जगह पे यू नो एडजस्ट हो जाए, क्योंकि यू नो दिस ये जो लास्ट 2 आर्टिकल है ये बाय डिफॉल्ट सर्जरी का बनता है, ठीक है? बट चूंकि थ्रोम्बोम्बोलिज्म है तो जब हम थ्रोम्बोम्बोलिज्म पढ़ ही रहे हैं
ओब्स में, तो हम गायने के भी साथ ही पढ़ लें। तो कुछ मॉड्यूल्स थे इस तरह, इस रीजन की वजह से, बिकॉज दे आर सेम, आई विल पिक सर्टन टॉपिक्स एंड आई विल एड इट इन डिफरेंट मॉड्यूल। तो इसका मतलब ये है कि एंटी कोगुलेशन इन गायनोकोलॉजी का मॉड्यूल चेंज हो गया, वो अब गायनी, वो अब सर्जरी में नहीं पढ़नी, अब वो ओब्स, वो मेडल एंड मेडिसिन में आ गई। ये मैंने मॉडिफाई किया है बिकॉज एज ए मेंटोर आई थिंक सो कि एक जैसी चीजें एक ही वक्त में की जाएं तो ज्यादा बेहतर होती हैं। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अगर हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें, मतलब थ्रोम्बोम्बोली, सॉरी, इसमें गोनवोलिब्रेंड आ जाता है और इसमें आ जाता है हीमोफीलिया। ठीक है, तो इसके लिए 2017 की गाइडलाइन है, और अनफॉर्चुनेटली जो इसके फैक्टर्स हैं कट ऑफ के वो डिफरेंट हैं। मेरे ख्याल से ईबीएम पहले पब्लिश हो गई थी, ये 2017 था, लेकिन ये गाइडलाइन एंड पे आई है, तो इसलिए वो फैक्टर अब हमें तंग करेंगे। अच्छा, फिर सिकल सेल, बीटा थैलेसीमिया, ये 11 और 14 की है, लेकिन हीमोग्लोबिन कट ऑफ आर्टिकल 2022 में आया है, तो यू हैव टू अपडेट वेरियस थिंग्स। फिर एस्थमा, एस्थमा कट होगा, ये भी लेटेस्ट होगा। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी 2020 कट होगा है, एपिलेप्सी प्रेगनेंसी 16 कट हो गया, एमएस कट हो 19 में आया। इसका मतलब है ड्यू हस तो फेल है, ईबीएम भी फेल है इधर। स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज एमएस, ये 2019 के टोगा आर्टिकल, इस पे कोई डीटीजी एसओजी भी है ही नहीं, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम दिस। कैसे आप इसे रिलाई कर सकते हो फिर अपने बुक्स पे। हेडेक 14 में आया है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, सॉलिड ऑर्गन ट्रांस, बायोलॉजी के साथ हम करेंगे। तो अगर हम एक बुक को उठाएं तो हम तो मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे, हमें तो हमेशा ये टेंशन पड़ी रहेगी कि इसमें तो पता नहीं कोई ऐसी बात तो नहीं लिखी हुई जो कि रिकमेंडेड है या नहीं है। इतने गंदे डाउट के साथ क्या तैयारी होगी। तो ये बेहतर नहीं है डायरेक्टली गाइडलाइन से ही पढ़ लें, इस मुसीबती में ना पढ़े। तो दैट्स वाई। अब अगर लेट्स सपोज, अगर आप 12th डे पे हो, 12th अगस्त को, आपका जो मेडल मेडिसिन का ग्रुप होगा उसमें हेडेक, बायोलॉजिक्स, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ब्रेस्ट कैंसर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन सब के ना आपको लेक्चर मिल जाएंगे। इफ यू वॉन्ट टू, यू नो, आपको सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करना है एंड टुगेदर यू विल लिसन ऑल दीज फोर टॉपिक्स। उसके बाद अगर आपका मूड है तो आप एक दफा इसे रीड कर लो, लेकिन ट्रस्ट मी, फॉर एफसीपीएस ओनली थ्रू, यू नो, अटेंडिंग द लेक्चर यू, इट्स मीन यू हैव डन द टॉपिक्स होल, यू डोंट हैव टू रीड इवन दिस, बिकॉज आई हैव पिक ईच एंड एवरी डिटेल जो कभी भी आपके एग्जाम में आई थी या आ सकती है या उस जैसी की कोई प्रोबेबिलिटी है, बिलीव मी इट विल बी इन योर लेक्चर। ठीक है, और पता है जब हम सुन रहे होते हैं ना तो हमारी काफी सारी सेंसेशन इन्वॉल्व हो रही होती है, लाइक सुनने की भी, देखने की भी, कुछ ना कुछ लिख भी रहे होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, तो इतना मल्टी सेंसरी काम होता है जब आप कुछ सुन रहे होते हो और साथ साथ नोट डाउन कर रहे होते हो, और जब आप रीड कर रहे हो तो तब तो एक ही सेंस यूज हो रही है, रीडिंग, पेज मेमोरी। तो आप बताओ कितना फायदा है टीम वर्क का। लाइक आई विल सेंड अ लेक्चर, उसके बाद आगे ये टॉपिक्स आप पढ़ते हो, आपको पहले ही आते हैं, कितनी अच्छी बात है। और फिर उस पर आपका एक क्विज आ जाता है, और उस क्विज में अगर थोड़ी बहुत चीजें अगर आपके माइंड में अच्छे से रजिस्टर नहीं भी हुई वो सॉल्व करके हो जाएंगी। तो हाउ अमेजिंग दिस वे ऑफ लर्निंग। सो अगेन टुगेदर वी आर मास्टर पीस। ओके, सो फिर दे लव एक्चुअली सीकेडीज, तो इसको तो हम बड़े अच्छे से करेंगे, सारे टोक आर्टिकल्स एक्यूट किडनी इंजरी के, क्रॉनिक किडनी इंजरी के, एडिनल डिजीज के, एसएलई के, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के। और यू नो, ये ऐसा रैंडमली मैंने इनको 13 अगस्त को नहीं अलॉट किया, इन सबको इकट्ठे, इसकी एक रीजन है, बिकॉज ये सारे एक जैसे ही लगते हैं। एसएलई में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, एसएलई में नेफ्रोपैथीज होती हैं, तो दैट्स वाई वी हैव टू डू ऑल सिमिलर थिंग्स टूगेदर एट दैट डे, क्योंकि कितना को कॉग्निटिव लोड दिमाग में रखना है, चीजें डालेंगे तो तभी तो निकलेंगी ना। तो आपको बड़े अच्छे से पता होगा किस प्लेटलेट लेवल पे क्या करना है, आईटीपी में, एसएलई में, टीटीपी में, हेल्प में। तो यू वॉन्ट फॉरगेट, एवरीथिंग विल बी, यू नो, एट एग्जैक्टली, यू नो, सेम प्लेस, और उसमें जो डिफरेंसेज हैं वो भी पिन पॉइंट होंगे। तो
उसके बाद जैसे हार्ट डिजीज है, आपने शायद ये प्री कोर्स में हमने किया भी था, तो देखो सिर्फ कार्डिक डिजीज करने के लिए ना आपको, मैंने कुछ 6-7 टॉक आर्टिकल पढ़े। हार्ट डिजीज का डिफरेंट था, पेरिपार्टम का डिफरेंट था, अक्यूट MI का डिफरेंट था, रिदमियास का डिफरेंट था, पोस्टल टैकीकार्डिया का डिफरेंट था। इसके बाद भी आप CPSP के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते अगर आप नेल्सन कैथरीन ना पढ़ें। फिर हमने वो भी ऐड की, एंड देन वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वन टॉपिक। हम उसे अंदाज में कार्डिक डिजीज इन प्रेगनेंसी, चाहे वो लाइक रूमेटिक काज से थी, चाहे कंजेनिटल काज थी, या इनसाइड प्रेगनेंसी डेवलप हो गई जिसको हम पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या पहले ही पेशेंट को इसकेमिक हार्ट डिजीज की पेशेंट थी, उन सबको टुगेदर कैसे मैनेज करना है इन प्रेगनेंसी, इन लेबर, वेन टू गो फॉर सेक्शन, वेन टू गो फॉर GA डायरेक्ट और एपिड्यूरल डायरेक्ट, कब एंटीकोएगुलेशन देना है, कब इफेक्टिव एंडोकार्डिक एनालिसिस को देखना है, कब बच्चे की फेटल इको करानी है, कब मेटरनल इको करानी है, और कब कब करानी है, और क्या हमारी इको की कट ऑफ है इन वेरियस सिचुएशंस, और कब वारफिन देनी है और कब नहीं देनी। ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो बिलीव मी, इफ यू विल स्टार्ट टू डू ओनली हार्ट डिजीज इन प्रेगनेंसी, आप खुद अलोन करोगे ना, तो आप 1 महीना ले जाओगे, फिर भी आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि आप एग्जाम को अप्रोच कर सकें। बट अगर आप 18th को सिर्फ 1 आवर का एक लेक्चर सुन लेते हो ना, यू डोंट हैव टू रीड दैट लॉट ऑफ टोग आर्टिकल एंड नेंसल कैथरीन एंड एग्जाम क्वेश्चंस, दे ऑल विल बी टुगेदर एट सेम एट यू नो सेम प्लेस। और मुझे ये भी पता होता है कि कैंडिडेट्स को मसला कहाँ होता है वारफरीन पे स्पेसिफिकली, कब स्विच करनी है, कब बंद करनी है, और कब जो है स्टार्ट करनी है। चलो, यू विल लव दिस लेक्चर। ओके ओके चलें। तो ये अभी तो मेटल मेडिसिन हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी मैंने उसका ही बनाया है। 20th को इंशाल्लाह हमारा रिवीजन होगा, उसके बाद एक छोटी सी असेसमेंट होगी। मैं पिन पॉइंट वही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी जो मुझे पता है एग्जाम में आते हैं, और वो फिर आपकी अगर कुछ कुछ रह भी गई हैं चीज़ें तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो टेक होम मैसेज ये है कि जो हमारे टोटल सिलेबस का मदर है ना, या बैकबोन है, वो हमारी ग्रीन टॉप गाइडलाइन है, क्योंकि SOGP वालों ने ना 3 गाइडलाइन अभी तक लिखी है तो इसलिए बाकी पूरा सिलेबस तो DTG से कवर होगा। जो जिस पे DTG नहीं है वो NICE से, NICE और DTG पे जो टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि आधी ज्यादा मेटल मेडिसिन पे कोई NICE DTG SOGP है ही नहीं, देन टोग आर्टिकल, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर से ही होती हैं, जैसे लेट्स अज्यूम अगर हम बात करें अबॉर्शन की, कि कौन सर्जिकल मिसकैरेज करना है या मेडिकल करना है, और कब करना है और कब MBA करना है, उसके लिए हमारे पास सिर्फ SSIPs हैं, और वही हमारी यू नो रेफरेंस है फॉर आवर कीज। तो ये वेरियस स्टडी सोर्सेज हैं जो जिसे हमें गुजरना पड़ेगा, बट यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज अगर कोई सी पाया है जो रेलिवेंट टू योर एग्जाम है, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल कवर इट, और मैं उसको रैंडमली कवर नहीं करूंगी, जहां उसकी जरूरत है। इफ इट इज पार्ट ऑफ मेटरनल मेडिसिन, वी विल कवर इट एट दैट टाइम। इफ इट इज पार्ट ऑफ लेबर, हम उसे लेबर में करेंगे। इफ इट इज पार्ट ऑफ एंटीनेटल केयर मॉड्यूल, हम उसको उधर करेंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है और उसको फॉलो करना है, डेली का एक लेक्चर सुनना है, ठीक है, दैट्स इट। हाँ, सोर्सेस जो हैं जैसे मैंने बोला GTG और SOGPs हैं हमारे लिए, बाकी जो अप्रोक्सीमेटली 20-30% स्टडी कंटेंट बनता है वो NICE से बनता है। इसकी रिकमेंडेशंस मस्ट हमने करनी है। जो टॉपिक्स GTG NICE से कवर नहीं हुए वो टोटल 30% बनते हैं, उनके लिए हम टोग आर्टिकल पढ़ेंगे, सारे नहीं सिलेक्टेड वंस, क्योंकि FCPS में सब कुछ नहीं करना होता, MRCOG सिलेक्टेड टॉपिक्स करने होते हैं। सिप्स करेंगे जो कि मोस्टली फॉर एंटीनेटल केयर मॉड्यूल में आते हैं। FSRH कॉन्ट्रासेप्शन कवर करेगी। अब देखो कॉन्ट्रासेप्शन 2000, सारी FSRH ना 2019 में चेंज हो गई है, और इवन कुछ टॉपिक्स इसके 2021 में चेंज हुए हैं, जबकि EBM और DUHS तो 2017 से है ही नहीं आगे रिकमेंडेशन। तो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तो बन ही नहीं सकती, ट्रस्ट मी, नहीं बना सकते इन बुक्स। तो आपको लेटेस्ट रिकमेंडेड और अपडेटेड कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, और फिगो के भी यही हालात हैं। अब माइजोप्रिस्टोल आप देते हो, आप 2017 के फॉलो कर रहे थे रेजिम, अब 2023 की आ गई है, ठीक है। अच्छा, एक और मुसीबत भी आ गई है, दिस इज 26 वीक्स तक हम दे सकते हैं प्रीवियस कार में माइजो, बट NICE सेज डोंट गिव 28 के बाद, आपने कोई सॉरी
24 वीक के बाद दे टेक इट एज टर्म एंड दे डोंट गिव एनी प्रोस्टाग्लैंडिन अकॉर्डिंग टू द नाइस 2021, बट फिगो 26-28 तक स्टिल इन प्रीवियस कार में दे आर कंसिडरिंग. तो ये कुछ ओवरलैप भी होंगे चीजों के, और दो बड़ी बेहतरीन ओवरलैप होंगे, जैसे एसओजीपी ओवरलैप करेगी डायबिटीज हाइपरटेंशन में विद जीटीजी, सॉरी विद नाइस. तो यहाँ कुछ कहीं जगह फिगो भी ओवरलैप करेगी हमारे हमारी जो नाइस गाइडलाइंस हैं. लेकिन जो मैंने लर्न किया है ना आपके एग्जाम से, वो मैंने ये किया है कि ये जो ग्रीनटेप गाइडलाइंस है ना, दे आर डिवेलप्ड फॉर वाइड पॉपुलेशन. एशियन पॉपुलेशन के लिए ज्यादा वर्क WHO ने किया है, फिगो ने किया है, और या SOGP कर रही है बिकॉज है ही ये साउथ एशियन कंट्री से. तो जहां की में डिस्पैरिटी आई ना, तो वी विल नॉट पिक ब्लाइंडली नाइस एंड जीटीजी दैट टाइम. हम पूरा क्वेश्चन असेस करेंगे, स्टेटमेंट पढ़ के ही ना, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद और पांच ऑप्शन पढ़ने के बाद ही पता अंदाजा हो जाता है कि की किस गाइडलाइन से निकली है. जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूं, SOGP की डायबिटीज में ना जब OGDT कराते हैं वो 1 आवर पे भी देखते हैं, जबकि नाइस में नहीं देखते, वो या तो फास्टिंग देखते हैं या 2 आवर पे देखते हैं. तो आपकी स्टेटमेंट में उन्होंने बोला कि पेशेंट आई है और 1 आवर रीडिंग ही है, तो इट्स मीन इट इज नॉट ऑन नाइस, इट इज ऑन SOGP. तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होंगे जिससे हम आराम से पहचान लेंगे कि हमारी की हमने कौन सी गाइडलाइन से बनानी है. अच्छा, फिर ये मुसीबत ही क्यों है कि जब जब एक टॉपिक पे तीन डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, तो ये हमारे लिए मुसीबत ही क्यों है कि हम वो तीनों करें, हम एक क्यों ना कर लें. दिस इज यूनिक मुसीबत ओनली फॉर FCPS, और कहीं नहीं होता. लाइक MRCOG वालों को कोई कुछ नहीं पड़ा कि लाइक SOGP क्या बोल रही है. जहाँ फिगो में और जीटीजी में प्रॉब्लम होती है, वो फिगो को भी नहीं घास डालते, वो जीटीजी को देखते हैं. तो बट हमें देखना पड़ता है, ठीक है. अच्छा, इसका एक ही इलाज है. इसका इलाज क्या है कि हम डिफरेंसेस को कंपेयर कर लें. जैसे डायबिटीज में अगर डिफरेंस है हमारी नाइस का और SOGP का, तो हम वो डिफरेंसेस हम याद कर लें. तो इस तरह हमें वो पूरी गाइडलाइंस याद ही नहीं करनी पड़ती, वी जस्ट हैव टू डू वन गाइडलाइन और हम ये देखेंगे कि बाकी दूसरी में डिफरेंस क्या है, बाकी तो वो सेम है, इसी तरह एनीमिया है. इसी तरह हम इंडक्शन भी करेंगे कि कहाँ डिफरेंस है फिगो का और नाइस का. सो फार आर यू पीपल गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम गोइंग ट्राइंग टू टेल यू पीपल? डर तो नहीं गए हो? मैं तो ये बता रही हूँ, चैलेंजेस तो हैं बट वी कैन ब्यूटिफुली टैकल देम, और ये आप अलोन नहीं कर सकते. वो दौर ही नहीं है कि अकेले बैठ के किताब उठाओ, ये एक ड्यू हस्ट, लाइब्रेरी जाओ और पढ़ लो और टास्क कर लो पेपर FCPS का, ये वो दौर ही नहीं है. इफ इवन ये तो चूंकि एक ओरिएंटेशन सेशन है, यूट्यूब पे भी जाएगा, पब्लिक भी होगा, और मेजोरिटी में भी कोर्स में ना भी हो, तो उनको भी मेरी ये एडवाइस है कि अकेले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना. पांच छह अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के कैंडिडेट्स जो आपके आपके साथ आपके स्टडी फॉर्मेट के साथ मैच भी करते हो, तो उनके साथ मिल के इस एग्जाम की तैयारी करें, और अकेले मत करें, थक जाओगे. और ये जो FCPS का एग्जाम है ना, ये थोड़ा टाइम इसलिए लेता है कि आपकी स्ट्रेटजीज बड़ी बकवास होती हैं. जब प्रेग्नेंट हो तब पेपर देने की तैयारी कर रहे हो ना, तो ना प्रेगनेंसी इंजॉय कर लो, दो चार मुसीबतें साथ लेके चल रहे होते हो, हस्बैंड का भी पेपर है, आपका भी पेपर है, या जब पेपर है वो दो चार जो है लोगों से पंगे लिए हुए हैं, वार्ड में भी और ससुराल में भी, फिर ये हरकतें नहीं करनी. एक वक्त में ना एक ही जंग लड़ो, और फुल तैयारी के साथ लड़ो, ठीक है, या अपनी जंग पोस्टपोन कर दो, कोई एक जंग तो पोस्टपोन करनी पड़ेगी. चलो, तो बैश इन्फेक्शन जितने भी हैं वो हम बैश से करेंगे, वरना तुम लोग इसी में ही पोत हो जाओगे कि वल्वो वजाइनल स्वैब लेना है कि एंडो सर्वाइकल लेना है, पेनिसिलिन की एलर्जी है कि नहीं. कंसेंट एडवाइजेस तो बहुत जरूरी है, और वो भी सारी चेंज हो गई है, 21 की है सारे, 23 की है. यू मस्ट नो कि किस हिस्टेक्टमी में, सेरोस्कोपी में यूरेटरी उड़ रहा है, किस में ब्लैडर उड़ रहा है, किस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन ज्यादा देनी करनी पड़ रही है, ठीक है.
SBAs और EMQ प्रैक्टिस बुक्स ये आपको करनी पड़ेंगे। वैसे कल के एग्जाम में इतना कुछ आया नहीं इन बुक्स से, कुछ एंड्रयू सीजर से आई है कुछ एक दो क्वेश्चन, लेकिन ये हम करेंगे। और इसकी रीजन पता है क्या? इसकी रीजन ये कि इनमें से पेपर आता है, इसकी रीजन ये है कि हम इन क्वेश्चंस, ये बड़े स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनको अटेम्प्ट करके हमें तमीज आ जाएगी कि कीज कैसे पिक करते हैं, बज वर्ड कैसे पिक करते हैं, और ऑब्वियसली थोड़े लाइक क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस की पढ़ के हमारी थ्योरी भी अच्छी हो जाती है। तो नो मैटर हाउ मच यू पीपल आर बिजी, ये सारी बुक्स, इनमें से जितना भी इम्पोर्टेंट पूल है ना, वो आपको करना पड़ेगा विद अस। और वो जो है ना, उसको हम डुएबल ऐसे बनाएंगे कि हम लाइक वी विल स्टार्ट मेटरनल मेडिसिन मॉड्यूल, तो मेटरनल मेडिसिन मॉड्यूल में जितने भी कोई क्वेश्चंस है ना, एंड्रियो में, रेखा में, रेखा टू में, मास्टरिंग में, सर गणेश गुप्ता की बुक में, नंबर वन में, जितने में भी उन, या पास MRCOG में, गैट थ्रू में, कूंजे में, हम क्या करेंगे, बल्कि हम ये कर चुके हैं, हम वो सारे मटेरियल मेडिसिन के क्वेश्चंस उठाएंगे, लाइक माय टीम विल कलेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक, लेकिन सारे मटेरियल मेडिसिन के, फ्रॉम दिस बुक्स लेकिन सारे मटेरियल मेडिसिन के, तो इन सब का ये पूल कोई कितना ही हो जाएगा। आई हैव सीन दे दीज आर अप्रोक्सीमेटली 100 सॉरी 1000 प्लस क्वेश्चंस। इन 1000 क्वेश्चंस में से ना 50% रिपीट है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट इस बुक में पूछा है, सेम इसमें पूछा है, क्योंकि कोई कितने ही नए क्वेश्चन बना लेगा या नए टॉपिक्स ले आएगा, तो उन बस उसमें से कितने बच गए, 500 क्वेश्चंस, जिनको डुप्लीकेट हम निकाल भी दें। इन 500 में से जो कोई लाइक 300 प्लस क्वेश्चंस है ना, वो इतने इजी टू डू हैं कि लाइक आप अच्छा कोई आपको पढ़ा ही रहा है ना, तो वो साथ के साथ हल हो जाते हैं। तो जो रियल चैलेंजिंग माइंड स्टॉर्मिंग या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो क्वेश्चंस है ना, वो ले देखे ना इन सारी बुक से, 200 क्वेश्चंस बचते हैं। और ये 200 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस पर डे वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व डेली, सो यू विल बी एबल टू कवर योर प्रैक्टिस बुक्स एज वेल, एंड आपके सारे टोग, आपके सारे सिप्स, JTG, नाइस, SOGP भी बड़े ही अच्छे अंदाज से कवर होती रहेगी। तो आपके तो मेरे बिहाफ पे तो ये काफी चैलेंजिंग है मेरे लिए कि एक PPT बनाना, हर चीज को कंपाइल करना, डिलीवर करना, और बिकॉज आई हैव कंपाइल्ड योर इनसाइट सीरीज, तो पिछले 10-15 साल का पूल तो वैसे ही मेरे माइंड में होता है, तो आई विल स्पेसिफिकली पिन पॉइंट दैट, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ, बस बना देती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ, कार्ड बना देती हूँ। तो मेरे बिहाफ पे वो टेंशन या मुसीबत या एक्स्ट्रा वर्क है ना, आपके बिहाफ पे तो यही है ना कि आज हमने डायबिटीज पढ़नी है और ये 1 घंटे का लेक्चर है, ये बस सुनना है, और ये 10 मिनट में हमने 15 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने तो रोज 1.5 या 2 घंटे ही देने हैं ना, आप इतना तो दोगे ना, और कुछ नहीं करना आपने, रेस्ट आई विल डू एवरीथिंग। चलो, सो हाउ यू शुड यू नो प्रिपेयर फॉर FCPS इन फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें लाइक इतना अच्छे तैयार करो कि प्रोबेबिलिटी 100% पहुंच जाए, तो ये बिल्कुल डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है। सेकंड होगी। अच्छा, तो आपने पहले तो लेक्चर सुनने हैं, अगर कोई टॉपिक लेक्चर सुने बगैर खुद पढ़ोगे ना, तो वो तो 3-4 दिन लग जाएगा। मतलब आज हमने लाइक ब्लीडिंग डिसऑर्डर करना है, तो ये 200 पेज की एक गाइडलाइन है, जिसको अगले आपने 200 दिन ले जाने हैं पढ़ने के लिए। बट अगर लेक्चर में सुनोगे तो ये हार्डली 1 घंटे का लेक्चर है, तो इसलिए पहले लेक्चर सुनो, क्योंकि जो भी इस 200 पेज में कोई चीज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट या डिफिकल्ट या एग्जाम फोकस्ड है, वो एक इस 1 आवर के लेक्चर में है। सेकेंड स्टेप पे आपने ये जो 200 पेजेस हैं, तो क्विकली बस रीड करना है, ठीक है, क्योंकि ये ना आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा कि यार हमने ये गाइडलाइन अपनी एक दफा नजर से गुजार ली है। बट दिस इज ऑप्शनल, अगर आप, मेरा तो दिल है आप सब एक्सेप्शनल हो, आप पढ़ें, लेकिन मैंने पिछले बैचेस से ये देखा है कि पढ़ते पढ़ते हो नहीं वैसे, लेकिन पढ़ लो तो अच्छा है,
ठीक है, तो क्योंकि सुन भी लिया और पढ़ भी लिया, डुअल हो गया। थर्ड स्टेप पे जब आप लाइक यू आर लिसनिंग माई लेक्चर, और फिर आपने एक दफा क्विकली इसको रीड भी किया, जस्ट रीड इट लाइक स्टोरी, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि वो चीजें सारी आप देखोगे आपको ऑलरेडी आती हैं, मैम हैज टोल्ड यू ऑलरेडी। तो बस आपने क्या करना है, जब आप सुन रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो साथ के साथ 4-5 लाइनें लिख लो, शार्ट पॉइंट्स बना लो। जैसे बिग डीडिंग डिसऑर्डर की बात है, वन विली ब्रांड में इस फैक्टर पे ना, मैं ये मेरा एम है एंटीनेटल टाइम पे, इतना तो मैंने रखना है, इस फैक्टर पे मैंने इसको अलाउ करनी है सेक्शन, इतना लेवल होगा, लाइक लेट्स सपोज इट्स 0.5 भी है वैसे, तो इस पे मैंने सेक्शन अलाउ करना है, और इसको अगर मैंने ट्रीट करना है तो ट्रीटमेंट के बाद मैंने इसको @1 रखना है। ठीक है, तो ये 2-4 बातें जो कि पूरे टॉपिक की जान है, ये लिख लो, ये आपको अपने हाथ से ही लिखनी पड़ेंगी, ये अच्छी बात है। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो जो 15 क्विज आएंगे, मे बी उन 15 क्विज में से 5 आपको नहीं आते, मैं ये कहूंगी कि 15 के 15 नहीं आते, लेकिन कीज तो है ना उनकी, तो फिर आप उनकी करेक्शंस लिख लो उसी जगह पे जहां आपने ये नोट्स लिखे थे 5-6 लाइनें। तो हाउ अमेजिंग इट इज एवरीथिंग यू हैव डन, एंड इतना स्मार्टली कर लिया है, जो काम एक लाइक पर्सन खुद करने वाला था, उसको तो दिनों में ये काम हो रहा था, आपका तो घंटों में हो गया, 2 घंटों में सब कुछ। फिर आपने बस इसको पीरियोडिकली रिवाइज करना है। ठीक है, और रही मेरी हार्ड कॉपी की बात, ये जो मेरे नोट्स होंगे वो भी अवेलेबल होंगे, लेकिन लाइक व्हेन वी विल फिनिश अ मॉड्यूल देन, क्योंकि अभी 24-23 के जो टॉक आर्टिकल और चीजें हैं, येट आई हैव टू ऐड ऑन देम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं पुरानी कॉपी आप लोगों को दे दूं। सो वंस यू विल कंप्लीट मॉड्यूल विद मी, आई विल कंप्लीट माई दैट बुक या शॉर्ट नोट्स या समरी बुक विद यू, एंड आफ्टर दिस इफ यू वॉन्ट आप उसको मंगवा सकते हो, लेकिन ये फालतू का खर्चा है। मैं तो ये कहती हूँ कि आप अपने हैंडी पॉइंट्स बनाओ अपने अंदाज में, अगर आप लिख नहीं सकते तो आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो समरी का, उसमें उस टॉपिक की समरी बोल दो, सुन लो उसी को, सुनने में तो बहुत सारी सेंसेस इस्तेमाल हो रही होती है, ये तो पढ़ने से भी अच्छा काम है। ठीक है, बट इस तरह के या तो अपने वॉइस नोट्स बना लो या अपने रिटर्न नोट्स बना लो, ये अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, देन यू कैन यू नो बाय माय नोट्स, और उधर साइड पे लिखते रहो, में स्पेस काफी होती है। ठीक है, छठा स्टेप आप अभी नहीं कर पाओगे, वो हमारा स्टार्ट होगा, वेन वी विल स्टार्ट आवर क्रैश कोर्स, उसमें क्या होगा, लाइक मेडिकल मेडिसिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप पूरा कर चुके हो। ठीक है, अब उसमें बस आपने ऐड करना है कि एनीमिया के पास पेपर्स में से ये क्वेश्चंस आए हैं, डायबिटीज के ये आए हैं, हाइपरटेंशन के ये आए हैं, और वो भी बहुत सारे तो आपको करने ही नहीं पड़ेंगे बिकॉज यू ऑलरेडी नो, जो डिफरेंट हो वो लिख लें। तो यू सी योर नोट्स मेकिंग, योर रीडिंग इज नॉट स्टैटिक, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक फैब 2025 तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता, यू विल कीप एडिंग मैनी थिंग्स इन योर मेटरनल मेडिसिन नोट्स। ओके, नहीं आपको जो मैं कह रही हूँ ना, वो देखें हाउ यू कैन मेक योर नोट्स। अगर आप मेरी हार्ड कॉपीज लेना चाहते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्री भी चली जाती है, लाइक अफ्रीका तक जा रही है मेरी बुक्स, ये कोई मसला नहीं है। बट इफ यू थिंक कि आपको ये PDF में मिल जाए, तो करेंटली इट इज नॉट पॉसिबल, आई हैव पुट सो मच हार्ड वर्क फॉर दीज बुक्स, सो लाइक वी कांट डिलीवर इट लाइक PDF फॉर everyone, लाइक यू स्टूडेंट्स हैव बाय द कोर्स, यू आर यू नो ये दिस इज फॉर यू, वंस PDF इज आउट इज इट इज आउट, एंड नो वन रिगार्ड हाउ मच यू हैव यू नो प्रिपेयर फॉर दिस, कितनी आपकी एफर्ट है, सो अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेपरेशन साइकिल जो इतने डिटेल में मैंने तुम लोगों को बताया है ना, ये सिंपल करके बता रही हूँ कि पहले सुनना है, अगर आज आपने डायबिटीज पढ़ना है तो आपने पढ़ना नहीं है, आपने सुनना है, सुनने के बाद पढ़ना है। ठीक है, जब आप सुनने के बाद पढ़ोगे तो आप देखोगे ये बोल रहा है आपसे, डायबिटीज आपसे बातें कर रहा है। ठीक है, तो फिर आप उसे अपने क्वेरीज सॉल्व करोगे, और फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिफाइन करोगे। ठीक
ठीक है, और फिर इस तरह आपका प्रेपरेशन साइकिल चलता ही रहेगा, और क्रैश कोर्स में आप इसी इंफॉर्मेशन में अपने रिकॉल्स ऐड कर लोगे। ठीक है, तो पढ़ना नहीं है, सुनना है। ठीक है, अच्छा। और मैं हमेशा इनकरेज करूंगी कि ओरिजिनल जगह से एक एक रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, नो मैटर हाउ मच ब्लाइंड ट्रस्ट यू डू फॉर एनी मेंटोर, आपको 100% ना जिंदगी में किसी पर रिलाई करना और इनफैक्ट ना किसी मेंटर पे करना। प्लीज, हु यू आर बेसिकली, आप वो लोगों जो इंडिपेंडेंटली लोगों की जिंदगी को ठीक करने वाले हो, अल्लाह के हुक्म से ऑब्वियसली, और इंडिपेंडेंटली इतने मुश्किल मुश्किल केसेस करने वाले हो, इंडिपेंडेंट इतने इतने क्रिटिकल डिसीजन लेने वाले हो, आपको कोई कैसे ड्राइव कर सकता है? मैं तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, एक रास्ता दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो प्लीज एक दफा, वेन एवर यू हैव टाइम, चाहे स्टोरी की तरह पढ़ो, ओरिजिनल गाइडलाइन की शक्ल जरूर देख लेना कि ये ओरिजिनल स्टफ है, नो मैटर वो 200 पेज का है, फ्लिप कर लो जल्दी जल्दी, बट रीड इट, सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे पर्सनल। मैं लिटरली इफ आई विल बी एट योर प्लेस, सो हाउ अमेजिंग, समवन बहुत अच्छा बोल भी रहा है ना, तो ये तो लाइक एज ए यू नो फ्यूचर कंसल्टेंट मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मैं एक दफा पढ़ तो लूँ उसको। ठीक है, फिर स्टेप टू पे आप काफी सारे क्विज हैं, आप उनको अटेम्प्ट करो, फिर अपनी विजन को रिवाइज करो। ये रिवीजन ही होती, इसे विजन ही चेंज हो जाता है, ये इतनी जरूरी है। ओके अच्छा, मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल ऐड करने की कोशिश की है। हाँ, गाइडलाइन, ओरिजिनल गाइडलाइन का ग्रुप डिफरेंट सेपरेट है, और ये चैनल है, आराम से आप इस पे कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट ले सकते हो, लेकिन प्रिंट तब लें जब आप इतना अफोर्ड, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी गाइडलाइन के प्रिंट निकालते रहोगे, प्रिंटर भी बेचारा थक जाएगा, और वो इतना जरूरी नहीं होता। आप, मुझे तो ये लगता है कि लैपटॉप, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो लैपटॉप पे, तो कर लो लैपटॉप पे इन्वेस्ट, प्रिंटर भी रखो, लेकिन हर चीज प्रिंट आउट ना करो। ठीक है, लाइक अगर अपनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर की 200 की पेज की गाइडलाइन एक ही दफा पढ़नी है ना, बार बार तो नहीं पढ़नी, बार बार तो लेक्चर ही सुनना है या नोट डाउन करनी है चीजें, तो एक दफा आप लैपटॉप से ही पढ़ सकते हो, और लैपटॉप में तो लाइक इतने अच्छे वर्जन हैं, आप वहीं हाईलाइट कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा स्मार्ट ये लगता है पेपरलेस स्टडी। हाँ बिल्कुल, आपको ओरिजिनल गाइडलाइन, मैंने तो वैसे पोस्ट भी कर दिया, आपने देखा नहीं, ग्रुप में मैंने पोस्ट कर दिया चैनल लिंक मेडिकल मेडिसिन का, यू कैन इजीली डाउनलोड एनीथिंग। ओके अच्छा, चीजें जो है ना आपने दिमाग में, कैसे आपने लाइक ऑर्गेनाइज करनी है, बहुत सारी टाइमलाइन आपके दिमाग में आएंगी, तो आप हर टॉपिक के साथ क्या सेपरेट पढ़ोगे? तो जो सेम चीजें हैं टाइमलाइन वाली, आप उनको इस तरह स्मार्टली उनके अपने अपने हैंडी पॉइंट्स बना सकते हो। आई टोल्ड यू पीपल कि अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें लिख के नहीं भेज सकते, तो बोल के भेज दो अपना वॉइस नोट, लाइक इफ आई विल बी एट योर प्लेस एंड आई हैव पॉइंट आउट, मैंने ये चीजें नोट की हैं यूरोकाइनी पढ़ने के बाद, कि बहुत सारी टाइम लाइन्स चल रही हैं और आई एम नॉट एबल टू कोप दैम, मैं उनको बहुत जल्दी भूल रही हूँ, तो मैं ये जल्दी एक जगह पे नोट कर लूंगी और वो स्क्रीनशॉट लेके उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, जो कि मेरा अपना ही है ना, लाइक दे आर लाइक माई नोट्स, या मैं बोल दूंगी कि देखो ब्लड डायरी 3 डेज के लिए मेंटेन करनी है, बट पीएमएस जो जो है, नहीं, उल्टा हो गया, ये दिस इज ब्लड डायरी विच इज फॉर 3 डेज, और 2 मंथ्स के लिए पीएमएस डायरी होती है, पीएमएस यहाँ कैसे गई? अच्छा, जीएनआरएच हम करते हैं 3 मंथ्स के लिए, ब्लड ट्रेनिंग हम 6 वीक्स के लिए, कीगल एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हम 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हम पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स के लिए करते हैं तो वो 4 मंथ के लिए होती है, तो कुछ कुछ ना डिफरेंसेस हैं, तो ये सारी टाइम लाइन अगर एक ही जगह इकट्ठी कर लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेडिकल मेडिसिन में हम ये पढ़ते हैं कि कैथेटर कब रिमूव करना है, हेपरिन देने के बाद या उससे पहले, तो इस तरह के कार्ड्स बनाए जा सकते हैं। ओके सो या जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, मैंने बोला था ना कुछ अपने हैंडी पॉइंट जरूर बनाने हैं किसी एक टॉपिक के, ठीक है, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर इतना लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर आपने हैंडी पॉइंट्स बनाने हैं तो आपने इस तरह स्टेप वाइज लिखना है कि व्हेन यू विल स्टार्ट, सबसे पहले लाइक
कंप्लीट यूरिन करवाना है, इन्फेक्शन एक्सक्लूड करनी है, फिर डायरी देखनी है, फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिर ट्रीटमेंट पे आना है, वो फेल होगी, फिर सेकंड लाइन पे आना है, जब मेटरनल सॉरी सारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है तो बिफोर इन्वेसिव सर्जरीज हम यो डायनेमिक्स कराते हैं, फिर वो कौन कौन सी, और फिर फाइनली लास्ट में फिर हम सिस्टोप्लास्टी तैयार करते हैं। तो इस तरह से आपको ना बड़ा सहूलत हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में तो स्टेप वाइज अप्रोच ही आनी है। आपने तो पूरा टॉपिक पढ़ लिया है ना, बट सुनते हुए अगर आप इस तरह एक दो बातें लिख लो फॉर योर ओन तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो मेरे नोट्स अवेलेबल होंगे, ये मेरे नोट्स ही हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप इतने बिजी हो आप नहीं बना सकते तो आप फिर यू कैन आस्क फॉर माई नोट्स, बट मैं फिर भी आई इंसिस्ट के अपने आपको बनाने चाहिए, ये फॉर एवर आपके साथ हैं। यू आर मेकिंग फॉर यूर सेल्फ, यू नो बेटर फॉर यू, आप अपने आप को मुझसे अच्छे जानते हो। मीन्स मुझे तो लगता है कि मैं ये भूलती हूँ कि ये 6 हफ्ते वाली बात है या 3 मंथ्स वाली, लेकिन आपको ये लगता है कि आप ये भूल जाओगे कि यूरो डायनेमिक्स कब कराना है। तो आपने इसको इसको सर्कल करना है, मैंने इसको सर्कल करना है, तो माई नोट्स विल नॉट वर्क फॉर यू, योर नोट्स विल बेटर वर्क फॉर यू। तो अपने नोट्स आपको हमेशा बनाने चाहिए, ठीक है? और ये जो आपने गोला डाला है ना इसका रिवीजन, आपके लिए बड़ा मैजिक वर्क करेगा मेरे बोले से। तो अपने तो बनाने ही है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हो, बस वही सबसे अच्छे नोट्स की डेफिनेशन है। बाकी ओके, जब आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो फिर क्या होगा, आप लोगों से वी विल टेक जीमेल, और आपके पास यूट्यूब भी होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आवर सेशन फॉर योर कोर्स वी विल टेक इट यू नो ऑन जीमेल, थ्रू जीमेल, बट वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट आवर होल कोर्स ऑन वेबसाइट। हमने अपने एमआरसीजी की कोर्सेज तो वेबसाइट पे शिफ्ट कर दी है, बट वो ट्रांजिशन फेज में है अभी ना, कि कोर्स कंटेंट की को कैसे सिक्योर रखा जाए, वरना तो आप यू नो यूट्यूब लिंक्स आराम से शेयर हो जाते हैं, आपने इनके लिए पे किया है, बट अबाउट अदर कैंडिडेट्स हु आर नॉट पेइंग फॉर दिस, तो वी विल कीप इट यू नो अ लिटिल बिट प्रोटेक्टेड। अभी इस वेबसाइट पर चूंकि अभी शिफ्ट नहीं हो रहे इन योर कोर्स, तो इस दौरान वी विल टेक योर जीमेल, आप इसी जीमेल से अपना यूट्यूब अकाउंट बनाओगे, या जिस भी जीमेल से आपने यूट्यूब अकाउंट बनाया है वो जीमेल आप हमें दोगे, दैट्स इट। ओनली फिर उसके बाद किसी भी लेक्चर को आप सुनोगे, आप आराम से सुनते रहोगे, एंड इट विल बी अ स्पेसिफिक सिक्योर लिंक विच विल वर्क ओनली फॉर यू, नो बडी कैन यूज दिस, नीदर एनी बडी कैन शेयर इट, इफ एनी बडी विल शेयर इट इट विल नॉट वर्क सिंपली। सो इफ यू आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स हाउ यू विल एबल टू अटेंड द लेक्चर्स, वी हैव टू चॉइसिस राइट नाउ, वेबसाइट आर थ्रू दिस वे। सो एक्चुअली वी आर इन अ ट्रांजिशन फेज, और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से, दैट्स वाई। सो अभी MRCUG की स्मूथ ट्रांजिशन हो चुकी है, देन नेक्स्ट कोर्स में देखा जाएगा, इंशाल्लाह आपको तो वो ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू विल पास दिस इन दिस अटेम्प्ट। तो अभी बस आपने अपना एक जीमेल बनाना है जो कि आपका अपना हो, दैट्स इट। ओके, बाकी आपके गाइनी के ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, ओब्स के ग्रुप डिफरेंट होंगे, लेकिन ये सब ग्रुप्स एकदम से नहीं आ जाएंगे, क्योंकि मैंने ये देखा फिर आपको समझ नहीं आता, इतना सारे ग्रुप्स पागल हो जाते हो। तो वी विल कीप दीज ग्रुप्स मिनिमल, हाउएवर जो जिसकी जरूरत होगी जिस टाइम पे, जैसे अभी मेटरनल मेडिसिन कर रहे हैं तो सिर्फ मेटरनल मेडिसिन के ही ग्रुप में आप ऐड होंगे, और दैट्स इट। वंस दैट ग्रुप कंप्लीट देन यू विल बी एडेड इन टू अर्ली प्रेगनेंसी या नेक्स्ट मॉड्यूल। तो फिर इस तरह ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको चीजें समझ भी आ जाएंगी, और आपको पता भी होगा कि ये काम कर चुके हैं तो अब ये ग्रुप नहीं देखना, अब अर्ली प्रेगनेंसी कर रहे हैं तो बस अब अर्ली प्रेगनेंसी ही देखना है, और जो मेन ग्रुप है जिसमें हम सब की आपस में कम्युनिकेशन होगी कि सेशन कब है, क्विज कहाँ है, आज का टॉपिक क्या है, एवरीथिंग इट विल बी इन डिस्कशन ग्रुप, S0 डिस्कशन ग्रुप। इस डिस्कशन ग्रुप में डेली के जो टू डू टॉपिक्स हैं वो पिंड होंगे, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो पिंड होगी। तो आपने बस क्या करना है, बस अपना वो ग्रुप खोलना है, पिन मैसेज ओपन करना है, दैट्स इट, नो वरीज अबाउट एनी ग्रुप। बाकी
जनरल टिप्स यही हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि एक्चुअली दिस इज योर बैटल, ठीक है, आप ही ने इसको लड़ना है, लड़ने के टैक्टिक्स सीखने हैं और इसको जीतना है। कि कोई भी कोर्स प्रोवाइडर, मेंटोर, टीचर आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लड़ना सिखा सकता है, लड़ना आपने खुद है। इफ आई एम गिविंग माई 100%, यू पीपल आर सपोज टू गिव योर 1000%। और ये स्पून फीडिंग लाइक कुछ नहीं है, जितने स्मार्ट आप हो, लाइक मैंने बोला ना, आप ही वो फ्यूचर कंसल्टेंट हो जिन्होंने इतने क्रिटिकल डिसीजंस खुद लेने हैं। आपको पाँव हाथ पकड़ के चलाया नहीं जा सकता, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, ठीक है। लाइक आई विल गिव यू के ये पेशेंट है डायबिटीज की, इसकी प्रेगनेंसी वैल्यूज ये हैं, लेबर वैल्यूज ये हैं, ठीक है। अब अगर वो पेशेंट क्वेश्चन में आ गई या आपके एग्जाम में आ गई, एग्जाम क्वेश्चन में आ गई या आपके बोर्ड में आ गई, उसको इंडिविजुअलाइज करके आपने देखना है। अगर उसके शुगर लेवल मेंटेन नहीं है तो इट्स यू हु विल पुट हर ऑन स्लाइडिंग स्केल, या आप उसको स्लाइडिंग स्केल पे भी डालोगे और यू विल नॉट डू सर्जरी, आप सर्जरी पोस्टपोन करोगे या सर्जरी पोस्टपोन नहीं करोगे, इट्स ओनली यू, यू विल डिसाइड एट दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू डू। आई टोल्ड यू 30% क्वेश्चंस विल बी वेरी क्लिनिकल, और ये क्लिनिकल इनसाइट रियल टाइम पे, इसका डिसीजन यस और नो का आप नहीं लेना है, हम आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। और मैं रास्ता कैसे दिखा सकती हूँ कि भाई शुगर अगर कंट्रोल नहीं है ना, तो उसकी मैनेजमेंट स्लाइडिंग स्केल है, वेदर पोस्टपोन करनी है या नहीं करनी। मतलब अगर एक पेशेंट आ गई है शुगर लेवल 11 मिलीमोल लेके, एंड यू आर प्लानिंग टूडे हर इलेक्टिव सर्जरी, तो व्हाट यू विल डू, यू विल पोस्टपोन हर सर्जरी या यू विल पुट हर ऑन स्लाइडिंग स्केल। मैनी ऑफ यू विल पोस्टपोन द सर्जरी बिकॉज इट इज इलेक्टिव, बट रियलाइज तो करो वेदर यू आर पोस्टपोनिंग आर नॉट। इन एनी केस व्हाट अबाउट 11 DSL शुगर, वो तो फिर भी स्लाइडिंग स्केल पे ही जाएगी ना, द रियल की स्लाइडिंग स्केल मीन्स उसको पोस्टपोन करके वार्ड में भी शिफ्ट करा रहे हो तो स्लाइडिंग स्केल भी करा रहे हो ना, गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह के क्रिटिकल डिसीजन आप लोगे, ओके। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस सेशन के बाद इसका वेट ही कर रहे हो, तो दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर 0301484-3695, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके कमिंग कुछ सेशंस भी हैं मेरे साथ, मैं पहले मेरा जो ये था कि मैं लाइक शुरू में गाइड सेशन ले लिया, बता दिया कि ये मॉड्यूल्स हैं, डेली ये टॉपिक्स होंगे, पोस्ट पिंड होंगी, हर हर मॉड्यूल का डिफरेंट ग्रुप होगा, आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, इस तरह से रीड कर सकते हैं। मुझे पिछले बैचेस से एक्सपीरियंस हुआ कि ये कम है, क्योंकि आप लोगों को और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। आप लोग लाइक अभी जो राइट नो मेरे लास्ट 4 डेज गुजरे हैं ना, लाइक आपका जो इमीडिएट बैच है जिनका कल पेपर था ना, अगस्त 6 अगस्त को, आज 7 अगस्त है, तो उनके साथ जो मेरे लास्ट 3 डेज गुजरे हैं उससे मैंने बड़ा कुछ लर्न किया है। कुछ कैंडिडेट स्मार्ट थे, दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस ही मुझे पूछ रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो वो कह रहे थे कि मैडम प्लीज एक छोटा सा ना वॉइस नोट बना दें, के पेशेंट फुली है, फिटल डिस्ट्रेस है, कैपेट बना हुआ है, तो अब इसको क्या करना है, छोटा सा वॉइस नोट बना दें, वल्बल कैंसर की रिकरेंस जो है याद नहीं आ रही, ऑब्वियसली 200+ का बैच। अब इस तरह के छोटे छोटे रिक्वेस्ट करना, अगर मैं करना भी चाहूँ तो मेरे लिए 1000 वो वॉइस नोट बनाना वैसे ही पॉसिबल नहीं था। आई ट्राइड माई बेस्ट, आई विल वॉज विद देम 24/7, बट मुझे ना रियलाइज हुआ कि जब इन लोगों का गाइड सेशन हो रहा था ना, तो मैं उनको तभी बता देती कि ये 3 दिन भी गुजारने हैं पेपर से पहले, और उसमें लंबे लंबे नोट्स और ये जो जूम सेशंस हैं और इवन ये फ्लैश कार्ड्स हैं, ये मे बी इतना नाइसली आपके लिए वर्क ना करें। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू राइट नो कि ये 3 दिन भी आने हैं एग्जाम से पहले के 3 दिन,
जिसको अगर आप प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना चाहते हो तो राइट नो इस पे वर्क करना शुरू करो। अभी आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग 3.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग रिवीजन हर बच्चा हर टॉपिक पे अपना रिवीजन के लिए 2 मिनट का वॉइस नोट जरूर बनाएगा, और वो वॉइस नोट आपने मुझे नहीं सेंड करना, वो वॉइस नोट आपने खुद को सेंड करना है। आई टोल्ड यू, एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो या टेलीग्राम ग्रुप बना लो विद यूर सेल्फ किसी दूसरे नंबर से अपने, और उस नंबर को फिर रिमूव कर दो, देन इट विल बी अ ग्रुप। और उसमें जो मॉड्यूल आपने रिवीजन में शुरू किया, क्योंकि रिवीजन में माइंड थोड़ा ज्यादा ओपन होता है, तो लेट्स सपोज यू स्टार्टेड मेटरनल मेडिसिन मॉड्यूल, उसमें आपने देखा ना इतने सारे टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक की आपने रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद उसके जो सेलियंट फीचर्स हैं, ठीक है, वो आपने, लेट्स अज्यूम मैं दोबारा आ जाती हूँ डायबिटीज पे, तो उसके क्या ही सेलियंट फीचर्स हैं। प्रेगनेंसी से पहले कब कब RFTs, LFTs, आई टेस्ट कराने हैं, HbA1c कितना रखना है और कितने मंथली देखना है, और स्ट्रेट नो कंसेप्शन की क्या है, इस पे 30 सेकेंड भी नहीं लगने आपको बोलने में। और अगर वो कंसीव कर लेगी तो आपकी 1 आवर 2 आवर की क्या वैल्यूज हैं शुगर मॉनिटरिंग करने में, और कितने आपने लेवल्स चेक करने हैं, कब कब आपने मॉनिटरिंग करनी है फीटल, और वो कैसे करनी है, नॉर्मली ग्रोथ स्कैन ये कब करनी है, इफ डॉपलर इंडिकेटेड वो क्या कब करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन कब करना है, इफ एवरीथिंग इज ओके कब इलेक्टिव सेक्शन करना है, इंसुलिन पे है तो कब करना है, और आफ्टर डिलीवरी 6 वीक्स पे HbA1c फास्टिंग, इन दोनों की क्या वैल्यूज होंगी, जिस पे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफर करोगे या आप उसके एनुअल OGTT या HbA1c कराओगे। गॉट माई पॉइंट? इस पूरी बात को बोलने में ना रिवीजन में 2 मिनट भी नहीं लगने। इस वॉइस नोट को आपने खुद को भेज देना, फिर इसको नहीं सुनना, फिर तो और एक्टिविटीज चल रही होंगी, और वॉइस नोट्स आप बना रहे होंगे, और काम कर रहे होंगे, लेकिन बिलीव मी, ओपन यू यू लव टू ओपन दिस ट्रेयर बॉक्स बिफोर 3 डेज एग्जाम, जिसमें मेटरनल मेडिसिन के कोई कितने टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स की 3 मिनट की तो वीडियो है, टोटल 1 घंटे में खुद की कही हुई बात ही सुननी है ना, और इतना स्ट्रेस होता है 3 डेज बिफोर कि चीजें जो लिखी हुई होती है ना वो नजर ही नहीं आ रही होती, मतलब वर्ड्स ही गुड मूड कर रहे होते हैं, बट सुनना बहुत पीसफुल लगता है, अपनी आवाज सुनना तो भी अच्छा लगता है। देन यू विल ओपन दैट व्हाट्सएप आर टेलीग्राम ग्रुप एंड यू विल लिसन यूअर समरीज, यू यू यूअर सेल्फ विल बी रिवाइजिंग थिंग्स फॉर यू, यू डोंट हैव टू रिक्वेस्ट एनीवन। गॉट माय पॉइंट? हेलो, क्लियर? हमारा अबीरा, अस्मा, ओके। चलो, इफ अगर आज अगर आपने अपनी तैयारी इस अंदाज से की है ना कि यू आर वेरी क्रिस्टल क्लियर के 2 मिनट में किसी की समरी सुना सकते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि यू आपने वो डेप्थ वाला पढ़ लिया है। नाउ दिस इज टाइम टू पास दिस एग्जाम। अगर अगर ये 3 दिन में किसी को रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, इट्स मीन आप ऑलरेडी पास हो इस एग्जाम में, ठीक है? तो लास्ट 3 डेज की तैयारी आपने अपनी अभी से शुरू करनी है। ओके, चलो, ओके। मैंने ये तरीका थोड़ा लेट सीखा, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय MRCUG 2। MRCUG 2 मैंने अपनी मेंटोरशिप में किया था, लाइक उन दिनों मेरे FCPS का क्रैश कोर्स भी चल रहा था, अपना खुद का एग्जाम भी चल रहा था। जितने मर्जी आप पढ़ाने में अच्छे हो, जब बीइंग ए कैंडिडेट आपको एग्जाम देना पड़े तो बात और होती है। सच में आई वॉज, यू नो, आई वॉज अंडर प्रेशर। तो बस ये 3 दिन थे और ये मेरे वॉइस नोट थे, एंड दे वर्कड द वर्क फॉर मी, मुझे कोई रिवीजन नहीं करनी पड़ी। आई वॉज सो हैप्पी कि पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर ये बात कैसे दिमाग में आई, बट इट सेव माई लाइफ एंड एंड सेविंग यूर लाइफ एज वेल, इंशाल्लाह। अच्छा, ड्यूरिंग दिस जर्नी ड्यूरिंग दिस जर्नी हर मॉड्यूल के बाद या कुछ मॉड्यूल्स के बाद जो ज्यादा हॉरिबल आपको लगते हैं, मुझे तो नहीं लगता खैर अब, लेकिन बींग कैंडिडेट मुझे भी लगते थे, जैसे ऑनगो है या इवन लेबर होगा, थोड़ा मेटरनल मेडिसिन भी घटिया ही है, तो आप लोगों को ट्रैक पे रखना, आप लोग चीजें स्किप कर दोगे। आप में से मेजोर कुछ बच्चे कहेंगे कि मेटरनल मेडिसिन तो पढ़ा ही नहीं की, प्रेगनेंसी थी, डिलीवरी थी,
घर में मसला था, बीमार थी, मूड नहीं था तो ये तो मैंने कुछ नहीं किया ना, तो अब मैं क्या करूं। तो फिर इस तरह के मोटि ये सबके साथ ही होता है ऑब्वियसली, तो इस तरह के मोटिवेशनल बूस्टर सेशंस भी आपके आते रहेंगे, नो वरीज, बिकॉज आई टोल्ड यू लाइक टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, तो यू आर नॉट अलोन। टायरिंग जर्नी है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन इसको डिकोड भी आराम से कर लेंगे मिलके। अच्छा थोड़ी सी ना, आप लोग बड़े सीधे लोग हो, वैसे दुनिया तो काफी आगे जा चुकी है, बट ये जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, स्पेसिफिकली सारी गायनियों की गर्ल्स ही हैं, इनका अपना ही तरीका है एक मसलों को हल करने का, चीजों को याद करने का। मैस बना लेती हूँ अपनी जिंदगी बिल्कुल, तो मुझे, मेरी डोमेन तो नहीं है, मैं तो लाइक मेरा तो बस ये है कि टॉपिक पढ़ाऊं और दैट्स इट, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी बूस्टर सेशंस भी मुझे लगता है मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है, कि आप अपनी चीजों को, अपनी जिंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करो, ना सिर्फ पढ़ाई तक नहीं बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे ग्रो करना है। तुम लोगों के तो मसले ही उधर उधर के हैं ना, प्रोफेशनल इश्यूज, सुपरवाइजर इश्यूज, इन-लॉज इश्यूज, किड्स इश्यूज, हस्बैंड इश्यूज, ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज। तो मैं, आई हैव स्टार्टेड, आई एम थिंकिंग, एक्चुअली मैं इतना अच्छा बोलती तो नहीं हूँ कि मैं लाइफ कोच बन जाऊं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों की लाइक ये जर्नी थोड़ी स्मूथ गुजरे। वेन एवर आई फील सो दिस सेशन, बूस्टर सेशन आर नीडेड, ये भी साथ साथ वी विल यू नो हम इनको लेते रहेंगे, बिकॉज इफ यू ज्वाइंड अस यू पीपल आर लाइक जस्ट फैमिली फॉर अस, तो फिर आपके लाइफ इशूज हैं या स्टडी इशूज हैं, दे ऑल आर आवर इशूज नाउ। तो ये वर्क लाइफ सेशन चलते ही रहेंगे और ये बहुत जरूरी भी है। मेरी नीस का कल पेपर आई मैम का ना, एंड शी कॉल्ड मी टू यस्ट नाउ सो इन मॉर्निंग, आई डोंट नो वेयर शी वाज, ना वो किसी मेरे कोर्स में थी ना मेरे क्रैश, वो एक्चुअली वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो मुझे पता है शी हैज नेवर टेकन मी सीरियस, मैं फिर भी उसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, और मैं उसको पिछले एक महीने से ट्रैक कर रही हूँ कि वो कहाँ खो गई है ना, बट शी वॉज नो वेयर, तो रोटेशन थी फलाना ढमकाना, चलो ठीक है इट्स ओके। अब सुबह मुझे फोन करती है और मुझे कहती है कि मैं तो पेपर नहीं दे रही और मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रही है, तो आई टोल्ड हर देखो ये पेपर क्या है, पेपर ही है ना, फेल हो जाएगा, हमारे लिए आप मैटर करते हो ना, वाई वो इतनी स्ट्रेस में थी, आई टोल्ड हर यू आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, फॉर योर मदर, फॉर अस, इट्स हमें मैम कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आई मैम करती हो तुम नहीं करती, तुम एफ सी पी एस करती हो तुम नहीं करती हो, तुम एक दफा फेल होती हो तुम 10 दफा फेल होती हो, तुम 100 दफा फेल होती हो, यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, अगर ये चीज़ तुम्हें खुशी दे रही है, तुम सेटिस्फाई हो तो कर लो, इस चीज़ से परेशान ना हो कि मैं क्या सोचूंगी, आनी क्या सोचेंगी, मामा क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता, ठीक है, तो बस अब बेधड़क तैयारी करो। आई शेयर्ड हर फ्यू कार्ड्स, मैंने कहा बस ये करने हैं, जो कि उसने कभी सीरियस नहीं लिया, बट शी अश्योर्ड मी कि अब वो कार्ड्स पड़ेगी, लेबर ही आता है ना आई मैम ज़्यादातर, और मैंने उसे कॉन्ट्रसेप्शन के कुछ भेजे, मैंने उसको बोला तुम ये कर लो, यू विल डू इट, और डोंट गिव अप, अब एग्जाम स्किप ना करो, पैसे तो वैसे ही भर चुकी हो, और क्यों स्ट्रेस लेना भाई, ठीक है, ये जो एग्जाम्स हैं वो हमारी जिंदगी को अच्छा करने के लिए हैं, ये नहीं कि हमें उनसे हमें बुरा लगे, हम डिप्रेशन में चले जाएं, हमारी हमें नींद ना आए, इफ समवन लव्स यू ही लव्स यू अनकंडीशनली, उसको आपके एग्जाम के पास फेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आपने अपने चीजें देखनी है लाइफ में, ये भी सेशंस होते रहेंगे। रीसेंट कैंडिडेट्स भी हैं कुछ, आई मुझे कल ही पता चला है कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं हमारे इसी नए बैच में जो सेकंड दफा एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी आई हैव प्लान्ड आर न्यू सेशन, क्योंकि पता है क्या, जो एग्जाम दोबारा दे रहे होते हैं ना उनके मसले थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो उनके वो मसले ही नहीं होते जो फ्रेश कैंडिडेट्स के मसले होते हैं, मीन्स वो दे उनको ना किसी स्पेसिफिक जगह पे वो अटके हुए होते हैं अपने रिजिड कॉन्सेप्ट बना के, जैसे मैंने शुरू में बोला था ना, एक गलत बात आपके दिमाग में आ गई है ना, उसको निकालने में इतनी एफर्ट लगती है, जो ये फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको आप मतलब कुछ भी सिखा दे आराम से सीख लेते हैं, पेपर पास कर लेते हैं, अब वो जिन्होंने ड्यूहस पढ़ी हुई है, जिन्होंने ईबीएम पढ़ी हुई है, पता नहीं कहाँ से ट्रेनिंग की हुई है, जहाँ हर एक का इलाज मीकोनियम का इलाज सेक्शन है, हर चीज का इलाज एचएमबी का इलाज हिस्टेक्टमी, उन चीजों को निकालना ना दिमाग से बहुत मुश्किल होता है, तो रिसेंट कैंडिडेट्स के जो मसले हैं ना वो डिफरेंट होते हैं,
उनके लिए जहां जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको टारगेटेडली हिट करना, वो फिर डिफरेंट उनके साथ सिटिंग्स होती रहेंगी और उनके लिए स्पेसिफिक एडवाइस होंगी, ठीक है? वो फिर हम बाद में ही बात करेंगे उनके क्या मसले मसाइल हैं। तो चलो, दिस इज अबाउट, ये मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आज, बट दिस इज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस, कोर्स एक्टिविटीज एवरीथिंग, बट जो भी था दैट वाज फ्रॉम माय हार्ट, और आई एम होपफुल मैसेज मैंने कन्वे कर दिया होगा, और बस अब आपने स्टार्ट करने आया अपना, कल से, टुमारो से इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक। एंड इस सफर के दौरान तंगियां, मुश्किलें, मुसीबतें, मायूसियां आती रहेंगी, गिव अप नहीं करना, बिकॉज हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, बट जो रियल स्पोर्ट्समैनशिप है वो ये है कि आपका फ्लो टुवर्ड्स यू नो पॉजिटिव साइड होना चाहिए, आपने आगे की तरफ ही फ्लो करना, स्टैटिक नहीं हो जाना, ठीक है? हमेशा एक नई जिंदगी, नया दिन आपका वेट कर रहा होता है। 2-4 दिन आपके खराब हो गए, इसकी कॉस्ट ये नहीं कि आज का दिन भी खराब करें, इसको नए तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है? बस आपने आगे चढ़ते ही जाना है, सीढ़ियां नहीं रुकनी। कल हम इंशाल्लाह थ्रोम्बोलिज्म से स्टार्ट करेंगे नाइना। ओके, सो अब तुम लोगों के गले जो बंद थे वो अब खुल चुके हैं, अब बोल सकते हो। यस यस, सॉरी, अपोलॉजी फॉर दिस। मैंने इसलिए गले बंद किए ना तुम लोगों के, कि जब मैं बोल रही होती ना मेरा थॉट प्रोसेस टूट जाता है, इसलिए। तो लेट मी नो इफ एनी। मैम, ये पूछना था कि आपकी जो एमसीक्यू बुक है इनसाइट की Part 2 के लिए। हाँ जी बिल्कुल है, लेकिन इसका नया वर्जन आएगा, तो बेहतर है कि अभी इस बुक का नाम ही सोचो। ठीक हो गया। और इसमें हम एट द एंड ऑफ मॉड्यूल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ना, वो आप खुद बताएंगी। ठीक एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल ही डेली डिस्कस करेंगे। है, ओके। ओके, एनी अदर क्वेरी? चलो, मुझे पता है कि आई आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस। यस, मैम, जो है एमसीपीएस का और एफसीपीएस का, दोनों का जो थ्योरी कोर्स है वो सेम ही चलेगा? हाँ, प्लानर सेम चलेगा, लेकिन जो कुछ चीजें हैं, कुछ डिफरेंट चीजें हैं, जैसे लाइक यूरोगाइनी इतना एडवांस नहीं करना, या ऑनकोलॉजी इतना एडवांस नहीं करना, दैट्स व्हाई। हाँ, जब आप डिफरेंट। कराएंगे तो आप बताएंगी ना कि हाँ, एमसीपीएस वाले, मतलब वो नहीं, बताएंगे। एमसीपीएस का लाइक सब चीजें डिफरेंट होंगी। चलो, आपका आपका जो लेकिन सेशन तो ओरिएंटेशन मैम करेंगे। सेम ही रहेंगे ना, जैसे आपने बताया कि कल से मैं मतलब हाँ, चेंबर नहीं, हाँ, मतलब थ्रोम्बोलिज्म हम स्टार्ट कर देंगे। अभी ना एमसीपीएस जी। का एग्जाम है, अभी तो एक्चुअली आई एम बिजी विद एमसीपीएस क्रैश कोर्स, लेकिन आप लोगों ने ज्वाइन अच्छा किया, अच्छी बात है, सिलेबस ज्यादा है, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम यू नो मैटरनल मेडिसिन लाइक एमसीपीएस, लेकिन आप लोगों का कोर्स मॉड्यूल्स, आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन, सिलेबस, ये चीजें स्लाइटली डिफरेंट है, तो यू विल नॉट बी मिक्स विद एमसीपीएस। ओके मैम। सो व्हेन यू स्टार्ट द क्लास सो यू विल बी टेल दैट कि ये एमसीपीएस के लिए। नहीं, एमसीपीएस जो बातें जैसे मैंने बताई हैं, 3 डेज कैसे गुजारनी है, आपके मॉड्यूल्स कितने, एवरीथिंग इज सेम, पेपर पैटर्न एवरीथिंग इज सेम, कुछ चीजें डिफरेंट हैं, तो इसलिए। और आपकी ना एग्जाम की टाइमलाइन भी डिफरेंट है, आप लोगों का एग्जाम फेब में नहीं हुए हैं बल्कि मार्च में है, तो इसलिए वी हैव टू मेक सेपरेट ग्रुप्स फॉर एमसीपीएस। हेलो जी, या मैम, जब आप क्लास मतलब स्टार्ट के लिए होगा तो फिर आप श्योर करेंगी कि ये एमसीपीएस की क्लास है और एफसीपीएस की, लाइक दिस? लाइक कैसे श्योर करें, टॉपिक सेम होंगे, जैसे थ्रोम्बोम्बोलिज्म जी आप जी भी जीडीजी से ही करना है और ये लोग भी जीडीजी से ही जी जी करेंगे, ओके। तो वो नहीं, आप कुछ हाँ कह रही थी ना कि कुछ आपके चीजें जो कोर्स की जो लाइक आपके जो एग्जाम क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट है, तो इसलिए आपके क्विज़ कैसे डिफरेंट होंगे।
ठीक है, लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप एफसीपीएस का क्विज भी कर लो तो ये अच्छी बात है. थिंग इज दैट कि जी एट द एंड ऑफ द डे एफसीपीएस पीपल आर वर्किंग एज कंसल्टेंट, एमसीपीएस पीपल आर वर्किंग एज कंसल्टेंट. आपके पास ओवेरियन यस कैंसर, आपके पास भी आना है, उनके पास भी आना है. यू कांट से इतना मुझे नहीं आता, आप रिकरेंस वाले हो तो आप एफसीपीएस के पास चले जाओ. तो ये आपकी अच्छा पर्सनल ग्रोथ एक के लिए अच्छा जी है जी कि आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ो. यस ओके और आपने जो बुक्स इतनी सारी एमसीक्यूज की शो की थी तो सो वी विल बाय ऑल नो और नो, आपने नहीं करनी, आपने डेली 15 क्वेश्चंस का एक क्विज करना है, दैट्स इट. ओके सो यू विल बी प्रोवाइड आई विल प्रोवाइड इफ यू आर फॉलोइंग कोर्स, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग. या अगर आपने पास होना है ना, आप कहते हो मैं मीडियोकर कैंडिडेट हूँ, आई कांट रीड सो मच थिंग्स. तो इफ यू आर मीडियोकर, अगर आप कोर्स में सिर्फ मुझे सुन रहे हो ना और वो डेली के 15 क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर रहे हो, दैट इज सफिशिएंट टू पास दिस एग्जाम, वेदर इट इज एमएस, वेदर इट इज एफसीपीएस, वेदर इट इज एमसीपीएस. ओके मैम ओके थैंक यू बिकॉज 75% आपने लेना है, आई अश्योर यू थ्रू माई लेक्चर्स इजिली इसने सुन के तुम लोग पास कर सकते हो, बिकॉज आई नो आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग. ओके मैम थैंक लेक्चर फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम लोगों का थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मैंने लेना है, तो मैं ना इसका बना रही थी कल के लिए ना, जस्ट अब आपने बात छेड़ दी है तो मैं बस दिखा दूं किधर है ये. तो ये यस. हाँ, ये मैटरनल मेडिसिन, यस. ये गाइडलाइन आपने करनी है. आप आईएमएम के कैंडिडेट हो, चाहे एमसीपीएस के, चाहे एफसीपीएस के, आपने करनी ही है ये वाली गाइडलाइन 37A 37B. अच्छा, इस पूरी गाइडलाइन में से आना क्या एग्जाम में, दे लव टू आस्क के स्कोर सीख लो, और स्कोरिंग के बाद ना ये भी सीख लो कि वेट से कैसे आपने कैलकुलेट करके हेपरिन देनी है मरीज को, और एक क्विज है. अच्छा, तो अब इफ आई विल क्विकली यू नो शो द स्लाइड्स, अब इस गाइडलाइन में इतनी परसेंटेजेस है ना, तो और वो इम्पोर्टेंट भी है, तो वो सारी हमने इकट्ठे करके एक साइड पे निकाल ली, राइट. अच्छा, इसमें वो दे लव टू आस्क वारफेरिन सिंड्रोम, वो इकट्ठे करके निकाल लिया. फिर कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं चाहती हूँ आप भूलें ना, तो आई ट्राई टू कन्वे इट लाइक दिस जॉइंट स्टार, कि ये इन्वेस्टिगेशन तो जरूर आपने करानी है. अब देखो, अगर आप प्लेन गाइडलाइन पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे, ये 5 इन्वेस्टिगेशन नजर भी नहीं आएंगे, लेकिन विद आफ्टर लिसनिंग लेक्चर आपको अच्छे से पता है कि 5 इन्वेस्टिगेशन बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट मैंने देनी देनी. आपको अच्छे से पता है कि एवरी फैक्टर इज गोइंग टू इंक्रीज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट एस, एस लोअर है. जब आप ये ओरिजिनल गाइडलाइन से पढ़ोगे तो आपको पहले ही पता है, तो इतना यू नो आपको दिक्कत नहीं होगी चीजों की, प्रेगनेंसी में क्या चल रहा है, कौन से एजेंट्स हमारे पास हैं, हेपरिन है या अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है, या नॉन विटामिन के डिपेंडेंट ओरल एंटीकोएगुलेशन हैं, वारफरीन है, एस्पिरिन है, तो इसको हम सारे गाइडलाइंस करके हमने इकट्ठे निकाल लिया, ठीक है. फिर इनके डिफरेंसेस इकट्ठे कर लिए, फिर इनके कट ऑफ सेट कर लिए, और फिर हमने ये जान लिया कब नहीं देनी, लेट्स फॉर एग्जाम्पल. तो आप आराम से अब टॉपिक ना आप च्यू कर सकते हो, वरना ये थ्रोम्बोम्बोलिज्म की गाइडलाइन अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसको अच्छे से पता है, इसको पढ़ने के लिए एक उम्र चाहिए. तो इस सारी रिकमेंडेशन अलग से करके हमने निकाल ली, जहां सिंगल बेस्ट आंसर जरूरी थे वो मैंने साथ साथ लिख लिए. यू आर सीइंग के कुछ चीजें हाईलाइट हैं, कुछ चीजें बोल्ड हैं, कुछ रेड हैं, आई नो दे आर एग्जाम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. स्कोरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कब 4 स्कोर है, कब वेरी हाई स्कोर है, कब हाई है, कब इंटरमीडिएट है, और सारे थ्रोम्बोफिलिया इतने ज्यादा मिक्स हो जाते हैं, कौन से वेरी हाई रिस्क हैं, कौन से हाई हैं, कौन से लो हैं, टुगेदर हम कर लेंगे, कब टेस्ट कराना है टुगेदर हम कर लेंगे. स्कोरिंग मुश्किल जरूर है, लेकिन उसको हम ब्रेक कर लेंगे कि एंटीनेटल कैसे करनी है, पोस्ट नेटल कैसे करनी है, सबका स्कोर जो 3 है वो टुगेदर, सबका स्कोर जो 4 है वो टुगेदर, जो ट्रांजिट स्कोर्स हैं जैसे OHSS है या हाइपरएमेसिस है या एयर ट्रेवल है, दे वी विल डू इट टुगेदर. डिफरेंट कनेक्शंस के साथ इनकी स्कोरिंग याद हो जाएगी, डिफरेंट कनेक्शंस के साथ इनके हम
ये वैल्यूज याद कर लेंगे, बिकॉज देर इज अ कनेक्शन. वेट में डिफरेंस 40 का है और डोज में डिफरेंट 20 का है, तो ये कनेक्शन हमारा बन गया. इस तरह से हम करते रहेंगे. थेरापेटिक डोजेस के भी कनेक्शंस हैं कि यहाँ 20 का डिफरेंस है और ओडी डोज में 20 का, और बीडी में 20 का, और ओडी में जो है वो 30 का. तो ये चीजें से ना आराम से याद हो जाएंगे. मुश्किल गाइडलाइन है थ्रोम्बोलिज्म की, ओवरवेल्म नहीं होना. बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये पूरा टॉपिक सुन लोगे तो गाइडलाइन में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा. बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह का बस चलते रहेंगे आपके क्विजीज वगैरह. तो वो टॉपिक आराम से एट द एंड ऑफ द डे आपको इजी अंदाज में आप समझ लोगे कैसे करना है. फिर लेक्चर के बाद जरूरत नहीं है टॉपिक पढ़ने की, बिलीव मी, क्योंकि कोई चीज जो इंपॉर्टेंट थी ना, दैट वाज इन दिस लेक्चर. तो दिस इज द, और ये तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है ना, वी विल डू एवरी टॉपिक लाइक दिस. सो जैसे ये हेलो टेस्ट, जस्ट होल्ड ऑन, जैसे मैंने देखा मेरे कैंडिडेट्स हमेशा भूल जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर में क्या देना है क्या नहीं देना. वो ट्राई टू ऐड पिक्चर विद दिस, जैसे ये ब्रेस्ट कैंसर है, इसमें ये नहीं देना, पल्मोनरी एंजियोग्राफी नहीं देनी, सीटीपी नहीं करना. बट वे करना क्या है, बीक्यू. गेट माई पॉइंट? तो वो सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इस तरह से हम करते रहेंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को. चलो, यस. अस्सलाम वालेकुम मैम. हाँ मैंने एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे MS के भी कुछ कैंडिडेट्स हैं ग्रुप में, तो हमारे पैटर्न में SEQs भी आते हैं. आप लोगों का सेपरेट कोर्स है, ऐसे क्यों हम सेपरेट कराएंगे? वी ठीक है, नो बाकी हम साथ साथ पढ़ेंगे और SEQs इफ सेपरेट करेंगे. हाँ इफ वी नो इफ यू हैव ज्वाइंड अस एंड योर एग्जाम पैटर्न इज डिफरेंट, योर प्रेपरेशन इज डिफरेंट, व्हाई यू आर वरीड? You will be added in short essay writing question group. Dr. Amna will be there and she will train you how to write best short essays. No worries. ओके, थैंक यू. तो वेयर आई वाज, मैं सिर्फ ये बता रही थी कि अगर आप लेक्चर सुन भी रहे हो तो सी कुछ चीजें मिस नहीं की है मैंने गाइडलाइन से, बल्कि आई ट्राई टू कन्वे द इंफॉर्मेशन इन अ वे कि आप चीजों को रिलेट करो, आपको पता हो कि इस गाइडलाइन में से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, बाय पिक्चर्स, बाय स्टार्स, बाय बोल्ड हेलो लेटर्स. मैम, सलाम अलैकुम. यस हेलो, जी. पापा पार्सल है. लेक्चर की रिकॉर्डिंग आएगी या लाइव लेक्चर होगा? लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको लाइक लेट्स सपोज इफ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म करेंगे, जो टॉपिक मैं अभी तैयार भी कर रही हूँ, तो आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड इट टिल लेट आफ्टरनून. तो द लिंक विल बी गिवन टिल इवनिंग, तो आप इवनिंग को ये सुन पाओगे. तो इट्स अप टू यू, अगर आप इवनिंग को बिजी हो तो आप अपना पैटर्न सेट कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग पे. मतलब इफ आई एम अपलोडिंग अ लेक्चर एट इवनिंग और नाइट, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लो उसको, और फिर सारे लेक्चर्स ही मॉर्निंग में करते रहो इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन. इट्स अप टू यू, बट आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड एंड टू अपलोड टिल लाइक इवनिंग, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे खुद भी चाहिए होता है ना, क्योंकि अब इन चीजें काफी चेंज हो गई हैं. तो पुराने लेक्चर्स, जैसे पुराना पिछले सेशन में जो टॉपिक था थ्रोम्बोलिज्म का, वो डिफरेंट था. अब डिफरेंट किया है बिकॉज अब क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, तो इसलिए मुझे दोबारा से चीजें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं. तो इतना अवेलेबल नहीं होती कि लाइक आई मैं सुबह सुबह उठ के लेक्चर आपको अपलोड कर दूँ. तो सुबह तो मुझे टाइम खुद को चाहिए लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए. गेटिंग माई पॉइंट? जी मैम, तो यू विल बी एबल, लाइक आप अपने ये आप अगर ये देखते हो ना, यस, दिस इज योर प्लानर.
हाँ जैसे आप लेट्स सपोज आपने 15 को करना है डायबिटीज, यस आपने 15 को डायबिटीज करना है, तो ये 15 की इवनिंग पे अपलोड होगा, ठीक है? आप 16 को आपने ओप्स कॉल करना है, तो ये 16 की इवनिंग पे अपलोड होगा, ठीक है? सो एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर हो गया है आयशा? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैम, जो गाइडलाइंस होंगी उनके लिंक्स भी आप हमें देंगी या हमें खुद से वो मतलब सर्च करनी पड़ेंगी या क्या होगा? नहीं, लेट्स जैसे हम आपने 17 को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स करने हैं, नाइस 2019 से अब 23 भी आ गई है खैर, और तो इसकी ओरिजिनल गाइडलाइन भी आपके S0 ग्रुप में सुबह मॉर्निंग में पोस्ट कर दूंगी, अगर आप चाहें तो उसको रीड कर सकते हैं, और इवनिंग तक इसका लेक्चर आ जाएगा, तो ओरिजिनल गाइडलाइन भी आपको डेली पोस्ट हो जाएगी, आपको मल्टीपल ग्रुप्स पे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, गूगल पे जाके डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपने जो मेन ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप उसको ओपन करना है, अगर हमने आज हाइपरटेंशन करना है तो 17 सुबह 17 को आप उठोगे तो ये पिंड होगा कि ये हाइपरटेंशन है आज का टॉपिक और ये इसकी गाइडलाइन है, ठीक है? ओके मैम, जो आप जी कह रही हैं कि जो है आप लेक्चर हमें भेजेंगी वो सेव ही होगा ना, किसी टाइम भी हम मतलब सुन सकते हैं? नहीं, आप लेक्चर शाम तक सुन पाओगे, नहीं उसके बाद डिलीट हो जाएगा? डिलीट नहीं होगा, टिल योर एग्जाम इट विल बी सेसिबल, आपका एग्जाम, इफ यू आर एमसीपीएस कैंडिडेट एंड वी नो यू आर एमसीपीएस कैंडिडेट, टिल योर एग्जाम इट विल बी अवेलेबल, इफ समवन इज एमएस कैंडिडेट वी नो इट ही इज शी इज एमएस कैंडिडेट, तो टिल हर एग्जाम डेट द लिंक विल वर्क फॉर हर। हाँ, तो मैं मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आप बार बार कह रही है ना कि जो है आप शाम तक सुन सकते हैं या नहीं मतलब सुबह में नहीं अर्ली। नहीं आप एक्चुअली पता क्या कहते हो, सुबह कहते हो मैडम लेक्चर भेजें टाइम, वी आर वेटिंग वी आर वेटिंग, तो अच्छा अच्छा सही बिल्कुल सही, मैं शाम तक नहीं, ऐसा सीन अपने नहीं है। सही है सही है, तो मुझे आप शाम में हाँ भेजेंगी, उसके बाद हमारा हाँ मर्जी है जो हम रात में हाँ सुने, लेट नाइट जब जब सुनना हो हाँ जब ये सुन सुबह सकते सुन हैं। लो, ठीक है? तो सही इट्स है, ये सही है, ये व्हेन एवर सही है, यू आर ठीक है। फ्री यू कैन लिसन, बट आई विल बी एबल टू अपलोड एंड रिकॉर्ड टिल इवनिंग, यूजली मैं ठीक है, पार्टी ठीक, दोपहर को 3 to 5, तो मैं इस दौरान सही रिकॉर्ड है, करती हूँ। चलें सर। ये मैडम जूम पे आ जाएगा ना? जी जूम पे आएगा? जूम पे? अगर आपका लाइव होगा तो वो जूम पे आएगा, और अगर रिकॉर्डेड होगा तो वो यूट्यूब का लिंक होगा, बट यू कैन ओपन चलें, ये दिस सही लिंक है। ओनली ओनली व्हेन जब आप अपनी उस डिवाइस से सुन रहे हो जिसकी जीमेल हमारे पास थी, लाइक आपने यूट्यूब पे अकाउंट बनाया जीमेल से, तो वो जीमेल एक्चुअली विल यू विल प्रोवाइड अस एंड वी विल सिंक दैट लेक्चर विद विद दैट जीमेल, तो आप आराम से सुन सकोगे। आप लाइक इफ यू आर वॉचिंग ट्राइंग टू ओपन द लिंक थ्रू सम अदर डिवाइस तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ओनली चलें, ये दैट सही। हाँ जीमेल विल वर्क जो आपने हमें दी है, तो प्लीज केयरफुल होके वही दीजिएगा जो आप पर्सनल आपकी हो और जिससे आपका यूट्यूब अकाउंट भी हो, जी जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। क्योंकि ये सारे लेक्चर्स यू नो जो इनका मीडियम है वो यूट्यूब ही है, बट यूट्यूब अलाउ यू ओनली इफ द जीमेल इज सेम। अगर ये ओके मैम, हाँ जीमेल वाली बात शायद आपको समझ भी ना आए तो नो वरीज, माई लाइक ई स्पोर्ट टीम विल कंडक्ट अ सेपरेट शॉर्ट क्रिस्प डिटेल्ड सेशन ऑन इट हाउ टू मेक इट, नो वरीज, बट इसको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे आपको। आप सुनना चाहते हो अपने लैपटॉप पे, मेक श्योर के उस पे जो यूट्यूब है उसकी भी वही जीमेल हो, ठीक है? आप सुनना चाहते हो अपने मोबाइल डिवाइस से, मेक श्योर के बस जीमेल सेम हो, डोंट चेंज इट प्लीज। चले सो आई थिंक सो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इफ एनी क्वायरी इवन आफ्टर दिस सेशन यू आर वेलकम टू पोस्ट, ओके? नाउ फेस टाइम टू से गुड बाय।